और जेब में कितनी मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या रहा है? ये देख, मौत है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी हसमत <laughs> दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी की। सोच हंस। ये पीने में नहीं है, ये देने में मारो नाम वेदा, उपनाम दर्जा पहचान सब पैर रख लगा पर मने नहीं जावे कोई रक्षा कर तो कोई ऐसा जो पैर तलवाने लोहे का तवा। झगड़ना नहीं आता मुझे सिर्फ झंडल नहीं आती है। पार। पार। don't stay चलते जॉन अब्राहम बन पाए बॉक्स ऑफिस के सिकंदर तो व्यूज से अग्री करते हैं जैसे कि क्रिटिक्स का ये कहना है कि कास्ट सिस्टम जो कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसे काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है इस फिल्म में पर जब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पठान के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन अवतार में बड़े पर्दे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है फरवरी में उन्होंने अपनी नई मूवी वेदा की अनाउंसमेंट शेयर की थी जिसमे वो बेहद ही इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आए मूवी में ड्रोन के साथ शर्वरी वाघ और तमन्ना भाटिया भी है अब वेरा का टीजर आ गया है और ड्रोन का एक्शन अवतार बहुत ही भौकारी नजर आ रहा है मूवी का टाइटल वेदा कहानी में शर्वरी वाघ के किरदार का नाम है वो एक ऐसी लड़की के रोल में है जो राजस्थान के किसी इलाके में एक ऐसे सिस्टम में फंसी दिख रही है जहां महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दबाया जाता है ट्रेलर में शर्वरी कहती दिख रही है कि उन्हें किसी रक्षक की जरूरत नहीं है वेदा के टीजर में वो भी एक्शन करती नजर आई उनके बाद कहानी में एंट्री होती है जॉन अब्राहम की जो एक सोल्जर के रोल में है उनका इंट्रो सीन कश्मीर में शूट हुआ है इसमें वो बतौर सोल्जर किसी टेररिस्ट ऑपरेशन जैसी सिचुएशन में नजर आ रहे डेढ़ मिनट के टीजर में बहुत ज्यादा कहानी तो नहीं बताई गई है मगर शायद शर्वरी यानी वेद अपने माहौल से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जॉन अब्राहम से टकरा जाती है कहानी में तमन्ना भाटिया जॉन अब्राहम की लव इंटरेस्ट या वाइफ के रोल में है शर्वरी का काम मूवी में काफी दमदार नजर आ रहा है जॉन उसे ट्रेनिंग देकर उसके अपने हालात से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उसके साथ उसकी लड़ाई का हिस्सा भी बनते हैं। मूवी में अभिषेक बैनर्जी और आशीष विद्यार्थी जैसे दो दमदार एक्टर पोलन के रोल में नजर आ रहे हैं जो वेदा को रोकना चाहते हैं। जॉन की नई मूवी को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है जो उनके साथ पहले पाटला हाउस भी बना चुके हैं इन दोनों की जोड़ी पिछले बार बॉक्स ऑफिस पर फायदेमंद साबित हुई थी इस बार ये दोनों क्या कमाल करते हैं ये जल्द ही थिएटर्स में पता चल जाएगा पठान में सुपर एक्शन स्टाइल में आने के बाद जॉन थिएटर से दूर चले गए थे उनके फैंस के लिए उनकी ये नई मूवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगी वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी वेदा को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है कुछ दिनों पहले खबरें आई कि इसे बिना किसी कट के पास कर दिया गया है मगर सच्चाई कुछ और दरअसल सेंसर बोर्ड ने मूवी वेदा को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है यानी इस मूवी को 12 साल से कम उम्र के बच्चे किसी बड़े के निगरानी में देख सकते हैं सेंसर बोर्ड ने मूवी से 9 मिनट 14 सेकंड के सीन्स काटे हैं, इसके अलावा बोर्ड ने एक डिस्क्लेमर जोड़ने का भी आदेश दिया है मूवी में क्या क्या बदलाव हुए हैं आइए हाँ जानते हैं बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उबेदा के मेकर्स को मूवी की शुरुआत में एक मिनट सोलह सेकेंड मॉडिफाइड डिस्क्लेमर और वॉइस ओवर जोड़ने के लिए कहा गया है मूवी में एक डायलॉग है जो कथित रूप से महिलाओं और सामाजिक रूप से अपमानजनक है उसे भी मॉडिफाई करने के लिए कहा गया है इसके अलावा दो मिनट सोलह सेकेंड लंबे फांसी वाले सीन को डिलीट करवा दिया गया मूवी में जोधपुर हाईकोर्ट का जिक्र है उसे जोधपुर म्यूट करने के लिए कहा गया है साथ ही कोर्ट परिसर में हिंसा वाले सीन को 30 परसेंट कम करने के लिए कहा गया ये सब हटाने के लिए मेकर्स को मूवी से 6 मिनट 14 सेकंड के सीन्स हटाने पड़ेंगे हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि मूवी का एक कैरेक्टर मोबाइल फोन से ऑडियो ट्रैक में संस्कृत के ये श्लोक सुनाता है सेंसर बोर्ड ने उसे भी डिलीट करवा दिया है मूवी में एक गाली है उसे भी रिप्लेस करवा दिया गया है सेंसर बोर्ड ने मूवी के नोट फाड़ने वाले एक सीन को भी ब्लर करने का ऑर्डर दिया है इसके अलावा एक डायलॉग ब्राह्मण का बेटा और शूद्र का बेटा को भी डिलीट करवा दिया गया है रिवाइजिंग कमेटी में पद्मश्री रमेश थे वो हमेशा उन फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के लिए जाने जाते हैं जिस पर एग्जामिन कमेटी ने आपत्ति जताई होती है इसमें कंट्रोवर्शियल मूवी हमारे बारह भी शामिल है कुल मिलाकर सेंसर बोर्ड ने मूवी से नौ मिनट चौदह सेकंड कम करवा दिए हैं अब वेदा का रन टाइम हो गया है दो घंटे तीस मिनट का ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज के लिए स्केड्यूल है वेदा में ट्रॉन अब्राहम के साथ श्रीमती वाघ तमन्ना भाटिया विद्यार्थी अभिषेक बनर्जी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम करे हैं मूवी को निखिल अडवारी ने डायरेक्ट किया है इसके पहले निखिल और जॉन बाटला हाउस में साथ काम कर चुके हैं जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मूवी वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं रिसेंटली ट्रेलर रिलीज वेदा

बहुत दिलचस्प होगी आपने मूवी देखी नहीं है पहले आप मूवी देखी फिर आप जज में इसके बाद मैं आता हूँ आप कुछ भी करिए लेकिन आप गलत हुए और मैं आप के बाद अब जॉन अब्राहम की मूवी वेदा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है मूवी को सेंसर ने भी क्लियर कर दिया है और अब ये पंद्रह अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है मूवी में शर्वरी वाघ भी है मूवी में अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया भी है लेकिन अडवाणी के निर्देशन में बनी वेदा पहले बारह जुलाई को आने वाली थी लेकिन बाद में ने इसे 15 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया वेदा को असल कहानी से इंस्पायर भी बताया जा रहा है वेदा का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आया है। जॉन अब्राहम के साथ शर्वरी वाक के अंदाज ने उन्हें हैरान कर दिया है कुछ डायलॉग्स की भी तारीफें हो रही है जिनकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है मसलन हार भले हो मैं लड़कर हारना चाहती हूँ फैंस का कहना है कि शर्वरी के इस डायलॉग को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए वेदा एक व्यक्ति की शक्ति और बहादुरी की कहानी है ये एक विद्रोह की कहानी है जो एक कठोर व्यवस्था को चुनौती देती है एक युवा महिला की कहानी भी है जिसने एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष किया उसका नेतृत्व किया और उसका समर्थन किया जिसे वो अपना रक्षक मानती थी और फिर वही उसका हथियार बन गया एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने वेदा को न्याय दिलाने में उसकी बहुत मदद की मालूम हो कि वेदा को अभी तक सेंसर बोर्ड से रिलीज की मंजूरी नहीं मिली थी उसे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था इससे कयास लगाए जा रहे थे कि मूवी की रिलीज टल सकती है सेंसर बोर्ड का रवैया देख मेकर्स भी नाराज थे और उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर कहा था की उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए मूवी की रिलीज के आठ हफ्ते पहले सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था सेंसर बोर्ड ने मूवी 25 जून को ही देख ली थी लेकिन रिव्यू कमेटी के पास अटकी थी अब आखिरकार इसका रास्ता भी साफ हो चुका है और अब वेदा बिना किसी रुकावट के 15 अगस्त को रिलीज के लिए रेडी है फिल्म निर्माता ने असीम बेस्ड वेदा का निर्देशन किया है मूवी का निर्माण जी स्टूडियो अडवाणी की एम एंटरटेनमेंट और अब्राहम की ड्रे एंटरटेनमेंट ने किया है निखिल का कहना है वेदा सिर्फ एक मूवी नहीं है ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है और रियलिटी की सीमाओं को तोड़ती है जॉन शर्वरी और अभिषेक बैनर्जी के साथ काम करता एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा है और मुझे आखिरकार रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और उम्मीद है कि ऑडियंस भी उसी तरह भावुक हो गई जैसे हम सभी हुए थे जब हमने पहली बार पहली बार वेदा की कहानी सुनी थी ये स्टोरियो केसते भी शारिक पटेल ने कहा कि वो प्रोडक्शन बैनर द्वारा मूवी के अडवाणी और अब्राहम के साथ सहयोग को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मूवी अपनी आकर्षक कहानी और शानदार अभिनय से ऑडियंस को लुभाने का वादा करती है जॉन और निखिल के साथ सहयोग ने कोलाबोरेशन की एक नई परत जोड़ दी है और हमें मूवी रिलीज होने की खुशी हो रही है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री टू का ट्रेलर आ चुका है जिसे देख कर जनता तो बम बम हो गयी है पिक्चर पंद्रह अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है मसला ये है कि इसका क्लैश होगा अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा से। ऐसे में तीनों ही फिल्मों को नुकसान होने की संभावना है जब इस क्लैश पर स्त्री टू के प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे ऐसी पूछा गया तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया स्त्री टू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मूवी की पूरी स्टार कास्ट टीम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे दिनेश के साथ को प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे भी इस मौके पर मौजूद थी जब मूवी के क्लैश को लेकर बात की गयी तो उन्होंने कहा एक साल में फिफ्टी टू हफ्ते होते हैं हम श्रद्धा के दिनों में रमजान में आईपीएल में या तब अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर पाते जब कोई खान यानी शाहरुख खान सलमान खान अपनी फिल्मों को रिलीज करती है ऐसे में हमारे पास सिर्फ वो हफ्ते ही बचते हैं तो क्लैश तो होना ही है बस बचता वही है जो बेस्ट होता है यही जंगल का नियम है 15 अगस्त के दिन कई सुपरस्टार्स अपनी किस्मत आसमानी उतर रहे हैं इस दिन कई बड़ी फिल्मी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है फिल्मों को लेकर तब बड़ा बर्स बना हुआ है जो तीन बॉलीवुड फिल्में इस दिन आने वाली है उसमें अक्षय कुमार की खेल, -खेल जॉन अब्राहम की बेटा और श्रद्धा कपूर की है इन तीनों फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं जिन्हें लोगों का, का रिस्पॉन्स मिला है इस महा क्लाश के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है हालांकि सिनेमा प्रेमियों के लिए ये दिन एकदम जबरदस्त होने वाला है हाल ही में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए खिलाड़ी कुमार ने जॉन अब्राहम की बेटा और अपने खेल खेल में के क्लाश को लेकर खुलकर बात की अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं वो गरम मसाला और देसी बॉयज जैसी फिल्मों में साथ दिखे थे फिल्मों के क्लाश को लेकर अक्षय कुमार ने कहा कि हाँ हम जल्द ही फिर से काम करेंगे उम्मीद है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम करीबी दोस्त हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के क्लाश होते रहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है ये सिर्फ टक्कर है कोई क्लाश नहीं ये पहली बार नहीं है कि 15 अगस्त पर अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराव रही हैं। इस साल तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब दोनों आमने सामने होंगे साल दो में अक्षय कुमार की गोल और जॉन अब्राहम की सत्य में ब्रदे टिकट काउंटरों पर भिड़ंत की उसके बाद 15 अगस्त को मिशन मंगल और बाटला हाउस से भिड़ंत हुई हालांकि 2019 के टकराव के दौरान जॉन और अक्षय ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था साथ ही उनकी दोनों फिल्में देखने की रिक्वेस्ट भी की थी बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त के दिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 के साथ जॉन अब्राहम की वेधा और अक्षय कुमार की खेल खेल में भी रिलीज होने वाली है ऐसे में तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है जहां स्त्री 2 के टिकट्स की एडवांस बुकिंग ने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है वहीं वेधा खेल खेल में को कड़ी टक्कर दे रही है आइए आपको दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताते हैं जॉन अब्राहम की इस मूवी में शर्वरी बाघ तमन्ना भाटी और अभिषेक बानर्जी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस मूवी का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जे एंटरटेनमेंट एम ए एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज ने किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार शाम चार बजकर दो मिनट तक मूवी की सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन बिकी हैं और इन टिकट्स के बिकने की वजह से मूवी ने रिलीज से पहले 19.97 लाख रुपए की कमाई कर ली है अक्षय कुमार के साथ खेल खेल में वानी कपूर तापसी पन्नू एम ए बिर फरदीन खान प्रज्ञा ड्रेसवाल और आदित्य सील मुख्य भूमिकाओं में, में है इस मूवी का निर्देशन मुदस्तर अजीज़ ने किया है और इसका निर्माण वाइट प्रोडक्शंस प्रोडक्शन्काओ फिल्म्स और टी सीरीज़ ने किया है रिपोर्ट के मुताबिक खबर लिखने तक मूवी ने एडवांस बुकिंग के जरिए लाख थाउजेंड का कारोबार कर लिया यानी एडवांस बुकिंग के मामले में ड्रॉन की वेदा ने अक्षय की खेल खेल में को पीछे छोड़ दिया है मूवी के बारे में बात करते हुए निखिल आडवाणी ने मीडिया को बताया जब मैंने मूवी लिखी और जब मैं मूवी बना रहा था और उसका एडिटिंग कर रहा था तो मुझे पता था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मूवी में जो हम कहने की है। उन्होंने सराहना करना चाहूँगा की जब सी बी एफ सी की रिवाइजिंग कमेटी ने मूवी देखी तो उन्होंने हमें यू सर्टिफिकेट दे दिया क्योंकि उनका मानना था की सभी को ये मूवी देखनी चाहिए अडवाणी ने ये भी कहा कि उन्हें देरी का अनुमान था उन्होंने हमें बताया एक प्रक्रिया है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका आपको पालन करना होता है और हम ये जानते थे यही कारण है कि हमने आठ सप्ताह पहले ही आवेदन कर दिया था जॉन अपनी अपकमिंग मूवी वेदा की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंच रहे थे एक महीने तक जोधपुर में इस मूवी की शूटिंग हुई थी इसमें बंटी बबली टू फेम एक्ट्रेस शर्वरी वाघ मूवी में मुख्य भूमिका में मूवी की शूटिंग एम इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी गौरतलब है की इससे पहले भी जॉन ड्रॉन 2017 में परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोकरण की शूटिंग के दौरान जोधपुर आए थे ये मूवी की शूटिंग के लिए पोकरण गए थे बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम हाल ही में शाहरुख खान के साथ मूवी पठान में नजर आ चुके हैं सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस मूवी में जॉन ने विलन की भूमिका निभाई थी जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही पसंद भी किया गया था बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी वेदा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऑडियंस को भी मूवी का बेसब्री से इंतजार है मूवी का प्रचार जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है वहीं अब ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने मूवी से नया गाना रिलीज कर दिया है मूवी के नए गाने का टाइटल जरूरत से ज्यादा है एक लेने वाला रोमांटिक ट्रैक है वेदा का नया गाना जरूरत से ज्यादा यूट्यूब रिलीज़ हो गया है जिसमे जॉन अब्राहम अभिमन्यु के रूप में अपनी प्रेमिका को खोने का शोक मनाते नजर आए उनकी प्रेमिका का किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है दस अगस्त को रिलीज हुआ ये गाना तमन्ना और जॉन के प्रेम की गहराई पर बेस्ड है जो बेहद भावनात्मक गीत है इस कहानी में जॉन अब्राहम मेजर अभिमन्यु के रूप में सेना के वर्दी पहने हुए हैं, जो तमन्ना के किरदार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखते हैं। ट्रैक में जॉन और तमन्ना के किरदारों के बीच प्यार को दिखाया गया है फ्लैशबैक सीन में कपल शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी की नई जर्नी स्टार्ट करता है वर्तमान समय में अभिमन्यु अलाव के पास बैठ अपने प्यार को याद करता है अभिमन अपने प्यार के खोने का गम सहने के लिए हालातों से लड़ रहा है जी म्यूजिक कंपनी के आधिकारिक हैंडल ने इंस्टाग्राम पर जरूरत से ज्यादा का वीडियो शेयर किया है कैप्शन में लिखा है जब प्यार चला जाता है तो सिर्फ आंसू रह जाते हैं जरूरत से ज्यादा एक ऐसा राग जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हो सकता था बिल्कुल छू लेने वाले गाने जरूरत से ज्यादा को गायक अरिजीत सिंह और अमाल मलिक ने गाया है गीत के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं। जॉन अब्राहम ने सॉन्ग लॉन्च के मौके पर जरूरत से ज्यादा गाने के बारे में बात करते हुए कहा कि ये गाना वेदा में जान डाल देता है और उनके किरदार के भावनात्मक और रोमांटिक रूप को सामने लाता है उन्होंने ये भी कहा एक ऐसा गाना है जो प्यार के सबसे शुद्ध रूप को दर्शाता है जो दिखाता है कि मूवी सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बल्कि प्यार के बारे में भी है जॉन अब्राहम और श्रेवरी वाक स्टारर मूवी वेदा मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है दोनों के फैंस उनकी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार करे ये दोनों की साथ में पहली मूवी है जिसमे वो एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले है इस मूवी में एक बार फिर ड्रोन का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा थर्सडे को वेदा का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया अब इस मूवी का गाना होलियान रिलीज कर दिया गया है इस गाने में एक्ट्रेस ने अपने डांस से हर किसी को हैरान कर दिया फैंस को उनके डांस मूव्स काफी पसंद आ रहे हैं जॉन चरवरी की मूवी का गाना होलियान एक क्लासिक होली ट्रैक होलिया में उड़े रे गुलाल का कंटेम्परे वर्जन है अब वेदा का ये गाना सोशल मीडिया आरोप वायरल हो रहा है अब इस नए और वाइब्रेंट वर्जन में शर्वरी वाघ अपने बेहतरीन डांस मूव दिखाते हुए नजर आ रही है इस गाने को निकता गांधी और आशा सपेरा ने अपनी आवाज दी है वही युवा ने इसे कंपोज किया है और आरुषि कौशल ने इसके लिरिक्स लिखे है दो दिन पहले जारी किए गए ट्रेलर में जॉन का एक्शन अवतार देखने को मिला था ऑडियंस ने उनके मूव्स और फिल्म के डायलॉग्स की खूब तारीफ की थी वहीं शर्वरी वाग पीस में ड्रम कर एक्शन करती नजर आई है अब फैंस बस इसकी रिलीज का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा जाति व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करने से बचता रहा है लोग ऐसे में तमल सिनेमा का रुख करते हैं पारण से लेकर वेटरी मारन की डाइवोर्स सिनेमा को कोट करते आए हैं निखिल अडवाणी ने अब इसी टॉपिक को अपने ढंग से दिखाने की कोशिश की है और वेदा नाम की मूवी बनकर अभिमन्यु की वो आर्मी ऑफिसर था किसी वजह से कोर्ट मार्शल करके सेना में बर्खास्त कर दिया गया अब वेदा के कॉलेज में बॉक्सिंग सिखाने आया है ये दोनों तो अच्छे लोग हुए कहानी में विक्ड डालने के लिए विलेन तो चाहिए तो उसके लिए अभिषेक बनर्जी है जिसका नाम जितेंद्र है मूवी में विलेन की जगह उन्होंने अच्छे से भरी है जितेंद्र प्रधान है और कथित तो ऊंची जाति का है जाति के दम्भ में वो कुछ ऐसा करता है कि वेदा और अभिमन्यु का दुश्मन बन जाता है आगे दोनों उससे बचते हैं, लड़ते हैं। इस दौरान वेदा अपने लिए न्याय की परिभाषा कैसे बोलती है यही मूवी की कहानी है मूवी अपने मैसेज को लेकर कैसा स्टैंड रखती है अगर आपको ये समझना है तो ऑडियो वीडियो वाले मीडियम सिनेमा के इन्हीं दोनों पक्षों पर ध्यान दीजिए मूवी में एक सीन है जहां वेदा अपने कॉलेज आ रही है पीछे से प्रधान का छोटा भाई अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसका एक्सीडेंट कर देता है सीन यहीं पर खत्म नहीं होता आगे वो उसे इस बात की सजा देता है कि उसने बॉक्सिंग सीखने की जरूरत कैसे की प्रधान के भाई और उसके दोस्त वेदा को घेर लेते हैं अब अचानक से सिनेमेटोग्राफर मल्ले प्रकाश का कैमरा दूर चला जाता है बड़ी दूर से दिखता है कि प्रधान का भाई वेदा को मुक्के से मार रहा है बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आ रही एक अजीब सा सन्नाटा है मूवी इस पॉइंट पर एक मूक दर्शक बनी हुई है जिसे दूर से कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा या वो सुनना नहीं चाहता वेदा बनी शर्वरी बाघ की एक्टिंग हर हाँ प्रोजेक्ट के साथ बेहतर होती जा रही है यहाँ वो सही मात्रा में इमोशंस को अपने चेहरे पर दिखाती है किसी भी पॉइंट पर उसे गैर जरूरी ढंग से ड्रामेटाइज नहीं करती बाकी ड्रॉन अब्राहम की फिल्मों के अधिकांश मेकर ने उन्हें इस्तेमाल करने का एक पैटर्न बना लिया है गिनती के डायलॉग एक्शन सीन में बाइस दिखानी है और हमेशा सीरियस दिखाना है जॉन वेदा में भी यही कर रही है बाकी प्रधान के रोल में अभिषेक बनर्जी ने अच्छा काम किया है वो ऐसे पॉलिटिशियन बन जाते हैं जिसे अपनी राजनीति चमकानी आती है बाहर से लोगों का लीडर बनने का और अंदर से कुछ और अभिषेक इन दोनों पक्षों को बैलेंस करके रखते है टिपिकल हिंदी मूवी के वलन की तरह लाउड हो सकते थे लेकिन वो सटल बने रहती है वेदा के साथ एक समस्या भी है मूवी अपना हीरो सही से चुन नहीं पाती ये वेदा का ही संघर्ष है मगर कई मौकों पर जोन अब्राहम की फैन सर्विस की गई है जैसे एक जगह अभिमन्यु एक पार्टी में जाकर प्रधान के भाई और उसके दोस्तों को पीट कर आ जाता है उस सीन से कहानी में कुछ खास नहीं जोड़ता मूवी में कुछ और ऐसे सीन है जहाँ जातीय भेदभाव को कॉल आउट किया गया है भी कैमरा और साउंड के साथ मेकर्स ने कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ सिनेमेटोग्राफर की एक बार फिर बात करनी होगी कहानी की शुरुआत में वेदा दिशाहीन होती है उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है लेकिन मन की टीस को कहाँ लेकर जाए ये बताने वाला कोई नहीं है इस दौरान कुछ सीन्स में वेदा को डच एंगल में शूट किया गया है यहाँ फ्रेम थोड़ा टेढ़ा दिखता है डच एंगल के जरिए किरदारों की मनोदशा दर्शाई जाती है कि कैसे वो किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुँचे हैं या असमंजस में हैं। जब वेदा अपने लिए रास्ता बना लेती है उसके बाद डच एंगल गायब हो जाता है बस ऑरियंस को ड्रोन के बाइसेप्स के भरपूर दर्शन होते हैं ये हीरो नुकसान क्लाइमेक्स में होता है उसी के चलते मूवी का क्लाइमेक्स अपने मैसेज से आपको हिट नहीं कर पाता इस साल का सबसे बड़ा क्लैश हो चुका है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी अपनी मूवी स्त्री के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है उनके रास्ते का अड़ोड़ा बनकर खड़े हैं अक्षय कुमार जिनकी मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में की टक्कर स्त्री टू से हुई है तो वहीं जॉन अब्राहम भी वेदा के साथ दोनों फिल्मों से टकराए हैं ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड आखिर कौन बनाएगा स्त्री टू वेदा और खेल खेल भी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तीनों फिल्मों के स्टार्स और मेकर्स कौन से उम्मीद है अलग अलग फ्लेवर और ऑडियंस वाली फिल्मों की कमाई पर सवाल बना हुआ है टक्कर में किसकी जीत होगी और कौन पीछे रह जाएगा किसे अच्छे रिव्यू मिलेंगे कौन सी मूवी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस बीच इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी इसके नंबर्स पर ध्यान दिया जाए तो स्त्री टू वेदा और खेल खेल में से आगे चल रही है मेकर्स ने अपनी फिल्मों को तगड़ी शुरुआत देने के लिए 14 अगस्त की शाम इसके पेड रिव्यू भी रखे ट्रेन रिपोर्ट्स की माने तो ट्यूसडे 13 अगस्त की रात तक श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने नेशनल चेन्स में दो लाख से ज़्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर ली है ये आंकड़ा 15 अगस्त की एडवांस बुकिंग का है इसमें अगर 14 अगस्त के पेड प्रिव्यू मिलाए जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर दो लाख साठ हजार से ज्यादा टिकट हो जाएगा रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल थ्री टू के लिए तीन लाख अस्सी हज़ार से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं और इससे पहले मूवी ने 11 करोड़ से, ज्या, से ज्यादा इससे पहले मूवी ने 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग में कर लिया है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्त्री टू को चालीस करोड़ रुपए की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर मिल सकती है ये साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा की बात करें तो इन दोनों के हाल एडवांस बुकिंग में कुछ खास नहीं है उम्मीद की जा रही है कि इन्हें अच्छी कमाई करने को मिलेगी धीरे धीरे दोनों का बस भी बन रहा है रिपोर्ट के अनुसार खेल खेल में कि अभी तक नेशनल ट्रेन में अठारह हज़ार से टिकट्स बुक हुए हैं ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 66 लाख रुपए हो गया है तो वहीं वेदा के हिंदी और तमिल भाषा को मिलाकर 26,000 से ज़्यादा टिकट्स बुक हुए हैं इस मूवी की एडवांस बुकिंग 65.23 लाख रुपए हुई है अब देखना होगा कि 15 अगस्त के दिन ये तीनों में अब देखना होगा कि 15 अगस्त के दिन ये तीनों फिल्में क्या कमाल करती हैं। वेदा से पहले निखिल और जॉन बाटला हाउस में साथ काम कर चुके हैं दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है निखिल और जॉन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है जॉन अब्राहम इंदरों अपनी मूवी वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से तमाम प्रमोशनल इंटरव्यूज और इवेंट्स चल ही रहे हैं जॉन ऐसे ही एक इवेंट में पहुंचे थे यहाँ उन्होंने मूवी के कंटेंट, उसके इर्द गिर्द होने वाली कंट्रोवर्सी और फिल्मों पर पढ़ने वाले उसके असर पर बात की जॉन का कहना है कि मूवी अच्छी है तो चलेगी उसे कोई कॉन्ट्रवर्सी नहीं रोक सकती इस पर ज्रॉन ने शाहरुख खान की पठान का एग्जाम्पल भी दिया साथ ही जॉन ने सोशल मीडिया पर मूवी के प्रमोशन के लिए रील बनाने वालों को भी आड़े हाथों ले लिया जॉन अब्राहम अमर उजाला के इवेंट में पहुंचे थे यहां उनसे पूछा गया कि आजकल फिल्मों को लेकर बॉयकॉट और कंट्रोवर्सी आम बात हो गई है ऐसे में क्या एक फिल्म मेकर पर मूवी के विषय को चुनना बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है इसके जवाब में जॉन ने कहा मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल है अगर आपकी मूवी बहुत अच्छी है तो वो चलेगी अगर अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो वो नहीं चलने वाली ऑडियंस भगवान है और वही किंग है मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हम सब खूब मेहनत करते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए मॉल जाते हैं ये सब चीज़ें मूवी की मदद नहीं करती है मूवी अच्छी है तो चलेगी जॉन ने अपनी मूवी पठान का जिक्र करते हुए कहा पठान एंटरटेनिंग थी इसलिए वो चली फिल्मों पर विवाद और कंट्रोवर्सी होती रहेंगी लेकिन आपकी मूवी अच्छी है तो उसको चलना तय है अगर आपकी मूवी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई मगर तो वो मूवी बुरी है तो नहीं चलने वाली काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील बनाऊँ आप ये करो आप वो करो मेरा इस पर कहना है कि ये सब करने का पॉइंट क्या है अगर आपकी मूवी अच्छी नहीं है आपका जो क्राफ्ट है उसे बेहतर नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें आपकी फिल्मोग्राफी अच्छी नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम रील क्या फ़ायदा करेगा ये सब फालतू है लोग मुझे पुराने ख्यालों वाला बोलते हैं क्योंकि ना मेरे पास व्हाट्सएप है ना मेरे फ़ोन पर कोई सोशल मीडिया है हालांकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है जॉन अब्राहम की वेदा जाति व्यवस्था पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग मूवी लग रही है यही वजह रही है कि इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने लंबे समय तक लटकाए रखा इस मूवी पर मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया गया था मगर मामले को तुल पकड़ता देख सी ने फटाक से इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट भी दे दिया जॉन अब्राहम की नई मूवी विदा आने वाली है इन दिनों वो इसके प्रमोशन में जुटे हैं ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने शाहरुख खान की और वाई के आदित्य चोपड़ा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया उन्होंने बताया कि अपनी फिल्मों को लेकर आदित्य काफ़ी सख्ती बरतते हैं वो अपनी फिल्म में किसी को नहीं दिखाते जॉन ने यशराज फिल्म की पठान में विलन का रोल किया था जॉन ने रणवीर के पॉडकास्ट में इस बारे में बात की उनसे पूछा गया कि जब पठान हिट हुई तो उनकी शाहरुख खान से क्या बात हुई इसके जवाब में जॉन ने कहा हम लोग साथ में थे हमने मूवी देखी और एहसास हुआ कि इस मूवी में कुछ बहुत अच्छा है हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा ये बहुत सही है आदित्य चोपड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है किसी को मूवी नहीं दिखाते सिर्फ शाहरुख खान को दिखाते हैं मुझे मूवी की जो भी जानकारी मिलती वो शाहरुख खान से मिलती थी मूवी रिलीज़ के पहले मैं उनसे पूछता कि कैसी मूवी है शाहरुख सारी जानकारी मुझे देते थे वो बहुत प्यारे इंसान है पठान इसलिए चली क्योंकि हमारी एनर्जी एक बराबर थी शाहरुख मेरे जज थे जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ और पठान के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा था उनके लिए इज्जत और प्यार दोनों हैं वो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो बहुत क्यूट और केयरिंग इंसान भी हैं उनकी बहुत सारी स्पेशलिटी है पठान में जॉन ने शाहरुख के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया था इस मूवी में उन्होंने जिम का रोल प्ले किया था जो भारतीय सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ से बदला लेना चाहता है मूवी में शाहरुख और जॉन की साथे पे कपड़ो भी अहम किरदार में थे सलमान खान ने टाइगर के किरदार में कैमियो किया था पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था 240 करोड़ के बजट में बनी पठान ने भारत में करीब 540 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था खैर अगर वेदा की बात करें तो इस मूवी में टोन अप्राहम के साथ शरवरी वाघ तमन्ना भाटिया आशीष विद्यार्थी अभिषेक बनर्जी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मूवी वेदा के प्रमोशन में बिजी है ऐसे ही एक प्रमोशन में जॉन ने बताया कि एक वक्त था जब इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें नापसंद करते थे जॉन ने कहा लोग बेवजह बुराइयां करते हैं उनके पास आपसे नफरत करने या आपको नापसंद करने की कोई वजह नहीं होती मगर फिर भी वो आपकी बुराई करते हैं पिछले दिनों जॉन दी रणवीर शो हिंदी पर पहुंचे थे जहाँ उन्होंने उस वक्त की बात की जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी चैट शो कॉफी विद कारण पर भी उन्होंने बात किया जब जॉन से पूछा गया कि क्या ऐसा वक्त भी था जब लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उन्हें सफल होते हुए नहीं देख सकते थे तो ड्रोन बोले सिर्फ कॉफी विद कारण ही नहीं बल्कि उस वक्त पर कई सारी फिल्म मैगजीन मेरे खिलाफ लिखती थी मुझे याद है उस वक्त एक बहुत बड़ी फिल्म मैगजीन के बहुत बड़े एडिटर थे उन्होंने एक एडिशन निकाला था जिसके कवर पेज पर मैं था उस पर लिखा था जॉन अब्राहम का करियर खत्म उस वक्त सारे डायरेक्टर एक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया और सब सहमत थे जॉन ने आगे कहा जिस एडिटर ने वो एडिशन निकाला था वो आज मेरा प्रोड्यूसर है मैंने ये सवाल उसे कभी नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया बल्कि उन्होंने सामने से मुझे बताया कि मैं आपको सफल होते नहीं देखना चाहता था मैंने पूछा क्यों तो बोले बस ऐसे ही उनके पास कोई वजह नहीं थी इसकी जॉन जो आगे जोड़ते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई वजह नहीं होती आपसे नफरत करने की मगर वो फिर भी आपसे नफरत करते हैं हो सकता है उनके घर में उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चलती इसलिए उनका ऐसा बर्ताव होता है आज इसे ट्रोलिंग कहते हैं उन ट्रोल्स के पास कोई वजह नहीं होती बस वो ऐसे ही बैठकर आपको ट्रोल करते हैं आपको बस अपना काम करना है मैंने भी अपने काम पर फोकस किया मैं खुद को घोड़ा समझता हूँ आगे देखता है इसी इंटरव्यू में जॉन ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को कुछ नया लाइए वाले सवाल पर डांटा था उसे बेवकूफ बुलाया जॉन ने कहा कि उस पत्रकार को इसी काम के लिए बैठाया ही गया था इसकी उन्होंने वैसा ही जवाब दिया कुछ दिनों पहले ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से ड्रॉन प्रमोशनल इंटरव्यूज में जुटे हुए हैं ऐसे ही एक प्रमोशनल पॉडकास्ट में उन्होंने पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करने वाले एक्टर्स पर बात की कहा कि वो कभी भी मौत नहीं बेचना चाहते साथ ही मैं अपने फैंस के बीच रोल मॉडल बनना चाहता हूँ जॉन ने रणवीर पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा मुझे वो एक्टर्स बिल्कुल सही नहीं लगते जो एक तरफ़ फिटनेस और हेल्थ की बात करते हैं लेकिन साथ ही पान मसाला का विज्ञापन भी करते हैं मैं कभी भी मौत नहीं बेचूंगा मुझे अपने फैंस का रोल मॉडल बनना है क्योंकि मैं उन्हें जो उपदेश देता हूँ और उसे खुद फॉलो नहीं करूँगा यह गलत होगा अगर मैं अपना जीवन ईमानदारी से जीऊँ और जो उपदेश देता हूँ उस पर ख़ुद अमल करूँ तब तो मैं आइडल बनूँगा लेकिन अगर मैं जनता के सामने अपना फेक वर्जन दिखाऊँ उनकी पीठ पीछे अलग दिखूँ इसे वो कभी ना कभी पहचान ही लेंगे जॉन ने बातचीत में आगे ये भी कहा लोग फिटनेस की बात करते हैं और कुछ लोग पान मसाला एंडोर्स करते हैं मैं अपने सभी आते दोस्तों से प्यार करता हूँ और किसी की बेजती नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं लेकिन मैं कभी भी मौत नहीं बेचूँगा क्योंकि ये उसूलों का सवाल है क्या आप जानते हैं कि पान मसाला इंडस्ट्री का टर्न ओवर करोड़ रुपये है इसका मतलब है कि इसे सरकार की भी सपोर्ट रही है इसलिए ये लीगल है इन कंपनीज को सपोर्ट ना करना मेरी पसंद है लेकिन कुछ लोग इसे माउथ फ्रेशनर के बहाने से बेचते हैं क्या सही है आप मौत भेज रहे हो आप इसके साथ कैसे रह सकते हो इस पूरी बातचीत में जॉन ने किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया हालांकि पान मसाला के विज्ञापन में अजय देवगन अक्षय कुमार शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे नजर आते हैं एक ब्रांड के लिए अमिताभ बच्चन विज्ञापन किया था लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया वहीं अब अक्षय ने भी अमिताभ की राह पर चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक तय समय के लिए होता है इसी वजह से अक्षय अभी भी पान मसाले के विज्ञापन में दिखते हैं। इस साल का सबसे बड़ा क्लैश हो चुका है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ अपनी मूवी स्त्री के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है उनके रास्ते का अड़ोड़ा बनकर खड़े हैं अक्षय कुमार जिनकी मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में की टक्कर स्त्री टू से हुई है तो वहीं जॉन अब्राहम भी वेदा के साथ दोनों फिल्मों से टकराए हैं ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड आखिर कौन बनाएगा स्त्री टू वेदा और खेल खेल भी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तीनों फिल्मों के स्टार्स और मेकर्स कौन से उम्मीद हैं अलग अलग फ्लेवर और ऑडियंस वाली फिल्मों की कमाई पर सवाल बना हुआ है टक्कर में किसकी जीत होगी और कौन पीछे रह जाएगा किसे अच्छे रिव्यू मिलेंगे कौन सी मूवी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस बीच इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी इसके नंबर्स पर ध्यान दिया जाए तो स्त्री टू खेल, खेल में से आगे चल रही है ने अपनी फिल्मों को तगड़ी शुरुआत देने के लिए 14 अगस्त की शाम इसके पेड भी रखे ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो ट्यूसडे 13 अगस्त की रात तक श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने नेशनल चेन्स में दो लाख से ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर ली है आंकड़ा 15 अगस्त की एडवांस बुकिंग का है इसमें अगर 14 अगस्त के पेड प्रिव्यू मिलाए जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर दो लाख साठ हजार से ज्यादा टिकट हो जाएगा रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल थ्री टू के लिए तीन लाख अस्सी हजार से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं और इससे पहले मूवी ने ग्यारह करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग में कर लिया है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्त्री टू को 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर मिल सकती है ये साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा की बात करें तो इन दोनों के हाल एडवांस बुकिंग में कुछ खास नहीं है उम्मीद की जा रही है कि इन्हें अच्छी कमाई करने को मिलेगी धीरे धीरे दोनों का बस भी बन रहा है रिपोर्ट के अनुसार खेल खेल में की अभी तक नेशनल चेन्स में अठारह हजार से टिकट्स बुक हुए हैं ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 66 लाख रुपए हो गया है तो वहीं वेदा के हिंदी और तमिल भाषा को मिलाकर छब्बीस हजार से ज्यादा टिकट्स बुक हुए हैं इस मूवी की एडवांस बुकिंग 65.23 लाख रुपए हुई है अब देखना होगा कि पंद्रह अगस्त के दिन ये तीनों फिल्में क्या कमाल करती शर्वरी वाघ और जॉन अब्राहम की मूवी वेदा सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है मूवी के प्रमोशन के दौरान किसी ने जॉन अब्राहम से सवाल किया कि उनकी हर फिल्म में एक जैसे कॉन्सेप्ट पर क्यों होती है इस पर जॉन ने कहा था कि इस सवाल से पहले आपको मूवी देखनी चाहिए मैंने तो मूवी देख ली है और जैसा जॉन ने कहा था कि मूवी एकदम अलग है ऐसा वाकई में है साथ ही दोनों लीड कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी कमाल की रही है भारत को भाईचारे का देश माना जाता है इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग वर्ग जाति के लोग एक साथ रहते हैं ये बात भारत की तारीफ में कही जाती रही है लेकिन कितनी सच है ये भी देश का हर नागरिक जानता है आज आधुनिकता के दौर में इंसान तरक्की कर रहा है एडवांस हो रहा है अपडेट हो रहा है लेकिन क्या आज ऐसा कहा जा सकता है कि देश से जातिवाद खत्म हो चुका है तब तो इस तरक्की को सार्थक माना जाएगा लेकिन अगर आज भी वेदा जैसी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी बन रही है तो इससे यह जाहिर होता है कि जातिवाद आज भी समाज की कड़वी सच्चाई है देश आजादी की 78 सालगिरा मना रहा है ऐसे में एक सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि क्या इतने सालों में देश से जातिवाद जड़ से खत्म हो गया क्या तो इसका जवाब ना ही होगा कोई ना कोई खबर आज भी हमारे पास सुनने में आती ही रहती है जिसमें जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण हुआ हो या कत्ल हुआ होता है आज भी लोगों की मानसिकता में जाति वर्ग घुसे हुए हैं और इससे अभी भी देश आज़ाद नहीं हो सका है एक सही दस्तूर पर जॉन अब्राहम की मूवी वेदा रिलीज हुई है भले ही इस मूवी के साथ और भी मूवीज भी आई हैं, लेकिन आज़ादी के दिन जॉन की ये मूवी वेदा की कहानी के जरिए एक सटीक मैसेज देती है ये कहानी वेदा नाम की एक लड़की की कहानी है जो पिछड़े वर्ग से आती है बॉक्सिंग सीखना चाहती है लेकिन उसके सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं है एक तो लड़की ऊपर से पिछड़ी जाती की उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता ऊपर से जो फजीहत झेलनी पड़ती है वो अलग ये कम था कि वेदा का टकराव हो जाता है गांव के प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह से जितेंद्र एक सदा हुआ पॉलिटिशियन है और पिछली जाति से नफरत करता है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और आसपास के गांव में भी उसकी धाक है बस यहीं से कहानी में फ्लो आता है और ये टकराव अंत तक जाता है यहीं पर अभिमन्यु का कैरेक्टर निभाने वाले जॉन अब्राहम का रोल तय होता है जितेंद्र संग इस लड़ाई में वे वेदा के संरक्षक बनते हैं अभिमन्यु गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं जिन्हें सेना से निकाल दिया गया है वो गांव में ही ट्रेनिंग देते हैं और मूवी में वेदा की हेल्प करते हैं एक तरफ वेदा की जिद और एक तरफ जितेंद्र की अकड़ इसी के बीच में ये कहानी बुनी गई है जॉन मूवी में लीड एक्टर है लेकिन मूवी का मुख्य किरदार वेदा ही है आज समाज में वेदा जैसी लड़कियों की जरूरत है वेदा में एक मासूमियत भी है एक जुनून भी है और हिम्मत भी है वेदा का कैरेक्टर मूवी की जान है और इस बात का सबूत भी कि सच के लिए लड़ने के लिए जो हिम्मत रखता है भले ही वो सिरा पर अकेले ही क्यों ना हो भगवान उसका साथ ज़रूर देता है और उसे कोई पराजित भी नहीं कर सकता मूवी की कहानी तो ज़रूरी है और इस पर कई सारी और भी इंटेंस फिल्में बनी हैं जातिवाद पर बनी नाना पाटेकर की मूवी दीक्षा याद आती है उसके अंत में एक मिनट के सीन को आज भी हिस्टोरिकल माना जाता है आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 भी लोगों की आंखें खोलती है इस मूवी के भी कुछ सीन्स आपके जहन में रह जाते हैं लेकिन अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा अपीलिंग है लेकिन क्लाइमेक्स के बाद ही मूवी अपना रदम खोदी नज़र आती है इसके क्लाइमेक्स को और बेहतर किया जा सकता था अब जॉन की मूवी है तो एक्शन होगा ही कहानी है तो इमोशन भी लेकिन हर मूवी का एक फ्लो होता है इसकी स्क्रिप्टिंग के फ्लो में गड़बड़ी लग रही है इस मूवी में अभिनय ही सब कुछ है चाहे शर्वरी वाक को ले लीजिए चाहे जॉन अब्राहम को या फिर अभिषेक बैनर्जी को सभी ने कमाल का काम किया है वेदा के रोल में शर्वरी को और बेहतर डायलॉग्स मिलने चाहिए थे तब उनकी एक्टिंग पर जान लग जाते लेकिन वे लगातार बेहतर कर रही हैं और इस कैरेक्टर में भी उन्होंने जान फूक दी अभिमन्यू के रोल में ड्रॉन अब्राहम छा गए पूरी मूवी में शायद एक सीन भी ऐसा नहीं होगा जब ड्रॉन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो उन्होंने गंभीर कैरेक्टर पूरी ऑनेस्टी से प्ले किया है नेगेटिव कैरेक्टर्स में अपनी दावेदारी सिद्ध कर चुके अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर इंटेंस था वे ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और अपने अभिनय से एक असर छोड़ जाते हैं इस मूवी में भी ऐसा ही उन्होंने किया है आशीष विद्यार्थी भी कैमियो रोल में शूट कर रहे हैं वेदा एक सही मौके पर रिलीज की हुई सही मूवी है ऐसी फिल्में समाज के लिए ज़रूरी है हमेशा से बनती भी आई है इस मूवी में भी एक विशेष मुद्दे को उठाया गया है इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी इंगेजिंग है लेकिन मूवी का दूसरा हाफ उस हिसाब से बन नहीं पाया एक बढ़िया कहानी की स्क्रिप्टिंग उतनी बढ़िया नज़र नहीं आई जिस वजह से मूवी बीच में ज़रा भटकती नजर आई है लेकिन उसे एक अच्छे क्लाइमेक्स से कवर किया जा सकता था मगर ऐसा भी देखने को नहीं मिला मूवी के क्लाइमेक्स में ज़रूरी एलिमेंट मिसिंग रहा यहाँ पर जिस सस्पेंस की ज़रूरत होती है और जैसी आदि तैयारी की जाती है वहाँ जरा ढीला पर नज़र आया ये आपको अंत में मायूस कर सकता है मगर ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है जॉन अब्राहम एक ऐसा एक्टर जो इंडिया का सबसे महंगा मॉडल हुआ करता था जिसे करण जौहर कभी खुशी कभी कम से लॉन्च करना चाहती थी मगर उन्होंने वो मूवी करने से मना कर दिया जिस रॉक में काम करके रणबीर कपूर स्टार बन गए वो मूवी भी पहले जॉन ने ही साइन की थी इनका फोर्स इतना था इतना भयानक कि विलन को मोटरसाइकिल फेंक कर मार दिया एम करके नौकरी करने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सब कैसे करता है इसके पीछे की कहानी क्या है हम आज जानेंगे बेटे का नाम जॉन अब्राहम पापा का नाम अब्राहम जॉन जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को बम्बई में हुआ था उनके पिता का नाम है अब्राहम जॉन मलयालम से आने वाले अब्राहम पेशे से आर्किटेक्ट थे जॉन और उनके पिता का नाम तकरीबन सेम है ऐसा यूं है कि मलयालम में पिता का नाम बच्चों को सरनेम के तौर पर दिया जाता है जॉन जब पैदा हुए तो उनका नाम फरहान रखा गया था मगर बैप्टाइजेशन के दौरान उनका नाम बदल कर कर दिया गया जो कि उनके दादाजी का नाम था तो इस तरह से फरहान बन गए जॉन अब्राहम जॉन की माँ फिरोज़ा ईरानी हाउसवाइफ हैं जॉन की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई थी उन्होंने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से इकॉनमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की जॉन आगे की पढ़ाई करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नारसी मॉन्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ और मैनेजमेंट में एम की कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्होंने मीडिया प्लानर के तौर पर फर्म्स में काम करना स्टार्ट कर दिया इसी नौकरी के दौरान उनके बॉस ने उन्हें एक सजेशन दिया जिससे उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई उन्होंने जॉन की कद काठी को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग के हाथ आसमाने को कहा इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक मॉडलिंग कंपटीशन का नाम भी बताया जॉन को आइडिया ठीक लगा उन्होंने तत्काल प्रभाव में उस कंपटीशन का फॉर्म भरा और उसमें हिस्सा लेने निकल पड़े ये इवेंट था ग्लैड मैन हंट कॉन्टेस्ट जो कि मॉडलिंग के लिहाज से इंडिया का सबसे फेमस कॉन्टेस्ट हुआ करता था कमाल की बात यह है कि जॉन वो कंपटीशन जीत कर रॉक सुपर मॉडल ऑफ द ईयर बन गए इसके बाद उन्हें इस इवेंट के इंटरनेशनल एडिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला जो कि फिलीपींस में हो रहा था दुनिया भर के मॉडल से भरे इस इवेंट में जॉन अब्राहम फर्स्ट रनर अप रहे फिल्मों में कैसे आए जॉन अब्राहम मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जॉन को लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे उन्होंने सिंगापुर हॉन्गकॉन्ग लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के कई शहरों में मॉडलिंग की मगर एक समय के बाद उन्हें लगने लगा कि वो चाहे कितने बड़े तोप बन जाए इंडिया में उन्हें कोई नहीं जानता वो इंडिया में अपना नाम बनाने के ख्याल से अपने देश वापस लौट आए कुछ ही समय बाद वो इंडिया के हाईएस्ट पेड मेल मॉडल बन गए इस फील्ड में उनकी सफलता को देखते हुए पंजाबी सिंगर जेडीबी ने उन्हें अपने गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो में कास्ट कर लिया यह ऑडियो विजुअल फील्ड में ये उनका पहला काम था इसके बाद वो पंकज उदास के गाने चिपके चिपके में नजर आए इस गाने ने उनका इंडिया में पॉपुलर होने की सपना पूरा कर दिया चिपके चिपके में ड्रोन को देखने के बाद उन्हें फिल्मों की ऑफर आने स्टार्ट हो गए मूवी कभी खुशी गम से लॉन्च करना चाहते थे मगर जॉन ने उस मूवी में काम करने से ही इनकार कर दिया अगर आपको लग रहा है कि जॉन को ऋतिक वाले रोल में कास्ट करने की बात थी तो आप गलत हैं करण जॉन को एक ब्लिंक एंड मिस रोल में कास्ट करना चाहती थी ये किरदार था करीना की दोस्त रॉबी का रॉबी मुश्किल मूवी के तीन चार सीन्स में नजर आता है सिर्फ उन सीन्स में जिसमें पू रोहन जलाना चाहती है ड्रोन के इनकार करने के बाद ये किरदार विकास सीरीज ने निभाया है खैर जब ये बात चल रही थी तब ड्रोन ने किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट करती थी मॉडल्स को फिल्मों में काम पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ड्रोन से कुछ ही समय पहले अर्जुन रामपाल और डीनू मौर्य जैसे मॉडल्स फिल्मों में एंट्री मार चुके थे खैर जैसे ही ड्रोन का एक्टिंग कोर्स पूरा हुआ उन्हें महेश भट्ट की लिखी मूवी जिसम में लीड रोल में कास्ट कर लिया गया इस मूवी में उनकी लीडिंग लेडी थी मूवी तो कुछ खास नहीं चली मगर अपने बोल सीन्स की वजह से खूब चर्चा में रही इस मूवी में काम के लिए जॉन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया जो मूवी अक्षय कुमार करने वाले थे उसमें काम कर जॉन ने दुनिया भर में वाह वाहि बटोरी आज के समय में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अच्छे दोस्त ने जाते हैं क्योंकि दोनों गरम मसाला हाउसफुल टू और देसी बॉय जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं दोनों की लाइफस्टाइल भी कमोबेश सेम ही है मगर अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ मसाला और एक्शन फिल्मों में काम किया मगर जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो प्रयोग धर्मी काम पर उनका फोकस बढ़ गया इसी कड़ी में उन्होंने जानवर संघर्ष और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में भी काम किया साल 2000 में दीपा मेहता अपनी एलिमेंट ट्रिलजरी की आखिरी मूवी वाटर बनाने जा रही थी वाटर आज सिनेमा के घेरे में आती है इस मूवी में शबाना आजमी और नंदिता दास के साथ अक्षय कुमार को कास्ट किया गया मगर विवादों में फंसती फंसाती ये मूवी भी रोक दी गई 2005 में दीपा ने अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया इस बार मूवी में लिज्जा रे और सीमा बिस्वास मुख्य भूमिका निभा रहे थे जो रोल अक्षय करने वाले थे वो तो जॉन अब्राहम को ऑफर हो गया जॉन ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका वाटर बनकर रिलीज हुई और दुनिया भर में खूब सराही गई कैनेडा की ओर से इसे ऑफिशियली बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी कैटेगरी में ऑस्कर भी भेजा गया वहाँ मूवी नॉमिनेट तो हो गई पर अवार्ड नहीं जीत पाई जॉन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वाटर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज फिल्मी लोगों के साथ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी देखने का मौका मिला वो अवार्ड जीतने नहीं कि रिवीज गुवेंद पोल्ट्रो और एंथनी हॉपकिंस जैसे एक्टर्स से मिलने गए थे मगर वहाँ जॉन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ ऐसा हादसा जिससे उन्हें लगा कि वो वाकई दुनिया भर में पॉपुलर हो गए हैं जॉन जिस होटल में ठहरे थे वहाँ कोई हॉलीवुड एक्टर भी रुका हुआ था उस एक्टर से मिलने के लिए उस हॉटल के बाहर जनता का भारी हुज्म उमड़ा हुआ था ठीक इसी समय जॉन होटल से बाहर निकले और चारों तरफ से लोग उनका नाम चिल्लाने लगे जाहिर तौर पर वो भीड़ ज्रॉन के लिए नहीं थी मगर ड्रॉन इस बात से खुश थे कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इतने सारे लोग उन्हें जानते हैं पहचानते हैं जब एक मूवी से देश भर में ड्रॉन ने धूम मचा दिया ड्रॉन फिल्मों में आने के बाद छोटे बजट की कैरेक्टर ड्रिवन फिल्मों में काम कर रहे थे साया पापा और एतबार इस तरह की फिल्में उन्होंने किया था इसके बाद जॉन को मिली वो मूवी जिसने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ स्टार बना दिया था यश राज फिल्म की संजय गढ़वी डायरेक्टेड मूवी धूम इस मूवी ने जॉन ने बाइक प्रेमी एक चोर का किरदार निभाया था जो कि एक मूवी का विलेन था कमाल की बात ये कि धूम इंडिया में बड़ी हिट साबित हुई और इस मूवी फ्रेंचाइजी की यूएसपी ही इसके लिए विलेन्स बन गई

इंटरव्यू जॉ ने इस खबर की पुष्टि भी की थी मगर फाइनली वो मूवी रणबीर कपूर के हाथ चली गई रॉकस्टा की कास्टिंग से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा किस्सा भी है इस मूवी की लीडिंग लेडी के लिए अनुष्का शर्मा ने भी ऑडिशन दिया था वो तकरीबन मूवी में हीर वाले रोल के लिए फाइनल हो चुकी थी मगर एह मौके पर उन्हें नरगिस फकरी से रिप्लेस कर दिया गया खैर हम जॉन की बात कर रहे थे जॉन भले ही मुख्य धारा में आ चुके हैं मगर अभी उन्हें सोलो हीरो वाली फिल्मों में अपना दमखम साबित करना बाकी था पिछले कुछ समय में सत्यमेव जयते परमाणु बाटला हाउस जैसी फिल्मों उन से उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो अपने बूते भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस बना सकते हैं जब जॉन ने आयुष्मान खुराना को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी खोल दी जॉन अब्राहम अपनी अति साधारण लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं वो पार्टी नहीं करते तमाम तरह के व्यसनों से दूर रहते हैं कार मिली तो मिली नहीं तो ऑटो तो रिक्शा कुछ भी लेकर वो मूवी इवेंट में पहुंच जाते हैं मीडिया इंटरैक्शन में भी उन्हें आसानी से चप्पले पहने देखा जाता है जॉन को सिर्फ दो चीजों का शौक है बाइक और फुटबॉल उनके गैराज में आपको विंटेज से लेकर स्पोर्ट्स हर तरह की बाइक्स मिल जाएंगी वो शुरुआती दिनों में फुटबॉल खेला करते थे मगर अब समय की कमी की वजह से सिर्फ देखने का मौका मिल पाता है इसकी कोर कसर उन्होंने खुद की फुटबॉल टीम खरीद कर पूरी कर ली जैसे क्रिकेट के लिए आई, आई पी है वैसे ही फुटबॉल की प्रोफेशनल लीग है आई बोले तो इंडियन सुपर लीग जॉन आई में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नाम की फुटबॉल टीम के मालिक हैं उन्हें इस टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड में अपनी टीम को चेयर करते हुए भी देखा गया है तो 2012 में जॉन अब्राहम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया इस प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली मूवी थी आयुष्मान खुराना और यामी गौतम स्टारर विक्की डोनर इस मूवी को खूब तारीफ मिली और बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने तो क्या ही कहना जॉन बताते हैं कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो अपनी मन की फिल्में बना सके सिनेमा ने उनको जितना कुछ दिया है बदले में वो भी सिनेमा को कुछ दे सके अपने प्रोडक्शन हाउस के तले वो अब तक मद्रास कैफ़े और परमाणु जैसी फिल्में ही बना चुके हैं जॉन अब्राहम ने बेपाशा के साथ अपना फिल्म डेब्यू किया था उनके साथ वो 11 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे उनकी निजी लाइफ की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद मीडिया में स्वीकारी है खैर विपाशा से अलग होने के बाद प्रिया रोंचल नाम की एक एन लड़की से शादी कर ली जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है निखिल आडवाणी की डायरेक्ट की हुई एक्शन मूवी वेदा थिएटर में लग चुकी है जिसने एक ही दिन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है अपने ओपनिंग डे पर ही छह करोड़ से ज्यादा की कमाई की है इस मूवी में जॉन अब्राहम शर्वरी अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया अहम भूमिका में है आइए जाने के स्टार ने इस मूवी के लिए कितनी फीस चार्ज की है 15th ऑफ ऑगस्ट के मौके पर थिएटर्स में निखिल आडवाणी की एक्शन मूवी वेदा रिलीज की गई इस मूवी में जॉन अब्राहम शर्वरी अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया अहम भूमिका निभा रहे रिपोर्ट के मुताबिक वेदा की परफॉर्मेंस थ्री टू से तो अच्छी नहीं है लेकिन दो बड़ी फिल्मों से क्लैश के बीच पहले दिन वेदा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है जॉन की मूवी ने पहले दिन छः करोड़ से ज्यादा की कमाई की है बॉक्स ऑफिस पर लगभग छह साल बाद जॉन अब्राहम ने एक बड़ी ओपनिंग की है हालांकि इन सालों में उन्होंने कई फिल्में की थी लेकिन सभी की परफॉर्मेंस एवरेज थी रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन मूवी के लिए जॉन ने पूरी कास्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है यह मूवी वेदा नाम की लड़की की यात्रा के बारे में है जो अपने लिए लड़ाई लड़ती है जिसे एक फॉर्मर सोल्जर का सपोर्ट मिलता है वेदा का बजट 60 करोड़ रुपए है रिपोर्ट की माने तो इस मूवी के लिए जॉन ने लगभग बीस करोड़ रुपए चार्ज किए हैं जो कि पूरी कास्ट में सबसे ज्यादा फीस है जॉन के बाद वेदा के लिए ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया जिन्हों है जिन्होंने डेढ़ करोड़ रुपए चार्ज किए हैं मूवी में वेदा बेरवा का किरदार निभाने वाली शर्वरी वाक को सिर्फ पचास लाख रुपए की फीस मिली है इनके अलावा वेदा में विलेन का रोल निभाने वाले अभिषेक बैनर्जी को पैंतीस लाख रुपए की फीस मिली है अभिषेक मूवी में जितेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं वेदा में अहम भूमिका निभाने वाले आशीष विद्यार्थी को करीब छत्तीस लाख रुपए की फीस मिली है मूवी में जॉन अब्राहम मेजर अभी अभिमन्यू का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं तो वही वेदा का कैरेक्टर शर्वरी अदा कर रही हैं। ये मूवी सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड है जो कि दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को दिखाता है इस मूवी में ऑडियंस को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा वैसे तो जॉन को एक्शन स्टार के तौर पर ही जाना जाता है लेकिन बाकी एक्टर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है वेदा को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है इसको जी स्टूडियोज उमेश खेर बंसल मोनिशा आडवाणी मधु भोजवानी जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया है वेदा के अलावा 15 अगस्त को अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया की दूसरी मूवी स्त्री टू भी रिलीज हुई है जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है साल 2018 में सत्यमेव जयते के बाद से जॉन ने वेदा से एक अच्छा कम किया है इससे पहले पठान में भी जॉन का अच्छा कम था लेकिन उस मूवी में जॉन मुख्य भूमिका में नहीं थे वेदा से पहले जॉन की पिछली मूवी एक विलन रिटर्न साल 2022 में आई थी जो कि मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी बॉलीवुड एक्टर तो अक्षय कुमार अपनी हार को भी जीत में बदलना जानते हैं अक्षय कुमार की खेल खेल में का मुकाबला सीधा स्त्री टू और वेदा के साथ हुआ वहीं ओपनिंग डे की कमाई के मामले में स्त्री टू ने सभी को पीछे छोड़ दिया है लेकिन इस घाटे में भी अक्षय कुमार तमन्ना भाटिया और अभिषेक बानर्जी का काफ़ी मुनाफा हो गया है हार कर भी जो जीत जाए उसे अक्षय कुमार कहते हैं भले ही अकी की फिल्में पिछले कुछ सालों से चले या ना चले लेकिन उनका दिमाग काफी तेज चल रहा है वहीं अक्षय कुमार के साथ उन्हीं की राह पर तमन्ना भाटिया और अभिषेक बानर्जी भी चलते हुए नजर आए अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों स्टार्स के बीच क्या ही कॉमन है जो इनका नाम एक साथ लिया जा रहा है दरअसल इन तीनों स्टार्स ने एक ऐसा स्मार्ट मूव खेला है कि अब उनकी फिल्म कुछ खास चले या ना चले इनकी तो चांदी ही चांदी है बॉक्स ऑफिस पर जहाँ एक तरफ अक्षय कुमार की खेल खेल में और दूसरी ओर तमन्ना भाटी और अभिषेक बैनर्जी की वेदा एक साथ रिलीज हुई है वहीं इन फिल्मों की कमाई पर भी सभी अपनी अपनी नज़र टिकाए हुए हैं लेकिन अब तक तो सबको ये बात पता चल गई है कि बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है साफ शब्दों में कहें तो स्त्री टू भी इन दोनों फिल्मों के साथ सिनेमाघरों में आई जिसने आते ही अपना दबदबा बना लिया है स्त्री टू ने ओपनिंग डे पर 55 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है इस मूवी के चर्चे जोरों शोरों के साथ हो रहे हैं वहीं अक्षय कुमार की खेल खेल ने पहले दिन महज पाँच करोड़ की कमाई की और वेदा ने 6.75 सीआर से ज्यादा का बिजनेस किया ये दोनों ही फिल्म स्त्री टू से बहुत ही पीछे छूट गई है लेकिन फिर भी अक्षय कुमार तमन्ना भाटी और अभिषेक बैनर्जी के खूब चर्चे हो रहे हैं अब इन तीनों का स्मार्ट मूव ये है कि ये स्टार्स स्त्री टू का भी हिस्सा है और इनके काम की भी खूब तारीफें हो रही हैं अक्षय कुमार को स्त्री टू में देखना सभी ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है लेकिन अपने छोटे से रोल में उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया है खेल खेल में से ज्यादा की के चर्चे उनके स्त्री टू के क्या के लिए हो रहे हैं मूवी में उनका सुपर विलन का किरदार है जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ भी नजर आ सकते हैं ऐसे में भले ही खेल खेल में अब ज़्यादा कमाई ना भी कर पाए लेकिन बातें तो सिर्फ अक्षय कुमार की ही होंगी ऐसा ही कदम तमन्ना भाटिया और अभिषेक बनर्जी ने भी उठाया है वेदा भी स्त्री टू के सामने फीकी नजर आ रही है लेकिन ये दोनों स्टार भी स्त्री टू में नजर आए तमन्ना भाटिया का इस मूवी तड़कता भड़कता डांस नंबर है जिसने मूवी के रिलीज से पहले ही सारी महफिल लूट ली थी साथ ही उनका स्त्री टू में कैमियो भी है अभिषेक बैनर्जी वेदा और स्त्री टू दोनों में ही अच्छे खासे वक्त के लिए नज़र आ रहे हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग हर किसी को खूब पसंद आ रही है आज की रात गाने में इस बार चंदेरी के लोगों की महफिल सजाने की जिम्मेदारी तमन्ना भाटिया ने ली है इन गाने में तमन्ना अपनी गजब की परफॉर्मेंस दे रही है ग्रीन कलर के आउटफुट में तमन्ना भाटिया का अंदाज देखते बन रहा है उनके ठुमके उनकी बोल्डनेस गाने में चार चांद लगा रही है ये गाना फैंस को मदहोश कर रही है स्त्री टू के गाने आज की रात की बीट बहुत ही कमाल की है जिसे सुन कोई भी थिरकने पर मजबूर हो जाएगा बता दें कि स्त्री टू के गाने आज की रात की लिरिक्स अमित भट्टाचार्य ने लिखे हैं जबकि गाने को आवाज दी है मधुवंती बाश् दिव्या कुमार से

वहीं लीड रोल में उनकी खेल खेल में पहले दिन ड्रोन अब्राहम और शेरवरी बाकी वेदा से भी पिछड़ गई है ये हाल तब है जब गुरुवार को 15 अगस्त की छुट्टी थी हॉलिडे रिलीज के बावजूद खेल खेल में और वेदा की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत खराब रही है दोनों ही फिल्में स्त्री 2 के आगे घुटनों पर हैं एक ओर जहां अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 ने पहले दिन ही 55 करोड़ से ऊपर के साथ कमाई की और सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना लिया है वहीं वेदा और खेल खेल में से 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल आरवानी के डायरेक्शन में बनी वेदा ने ओपनिंग डे पर गुरुवार को साढ़े छह करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है इसमें से हिंदी में 6.28 करोड़ की कमाई हुई है जॉन अब्राहम और शेरवरी वाग एक्शन ड्रामा की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी औसतन थर्टी फाइव परसेंट रही है जबकि स्त्री टू के शोज में इसके दो गुने से अधिक 77 परसेंट सीट्स पर ऑडियंस नजर आए हैं वहीं वेदा की रिव्यू की बात करें तो एक श्लोक था जिक्र महाभारत में भी हुआ है श्री कृष्ण ने किया है श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ आधार साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ महाभारत के श्लोक का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉन अब्राहम और शर्वरी वाक मूवी वेदा पर ये एकदम सही बैठता है अब वो कैसे चलिए तो बताते हैं लेकिन मूवी के रिव्यू के साथ जॉन अब्राहम और शर्वरी वाक मूवी वेदा 15 अगस्त के मौके पर रिलीज कर दी गई ये फुल ऑन एक्शन एंटरटेनर मूवी है और ये सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है जो कि समाज के काले सच से रूबरू कराती है जात पात से हमारा समाज आज भी नहीं उबर पाया है शहरी क्षेत्रों में ये मामला थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप इसकी जड़ को देख सकते हैं ऐसे में वेदा भी जात पात के बीच एक उलझी हुई कहानी ही है मगर इसकी कहानी एकदम नई है ऊपर जैसा कि हमने महाभारत के श्लोक का जिक्र किया और श्लोक पर इसकी कहानी एकदम सटीक बैठती है ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि मूवी कैसी है जॉन अब्राहम और शर्वरी वाकी की मूवी वेदा की कहानी की बात की जाए तो इसमें आपको नई कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि राजस्थान की सच्ची घटना से इंस्पायर है इसमें आपको बाड़मेर की वेदा और आर्मी से कोर्ट मार्शल किए हुए मेजर की कहानी देखने को मिलेगी वेदा यानी शर्वरी वाक अपने सपने को उड़ान देने के लिए हर संभव प्रयास करती है मगर उसके सपने का रोड़ा वह है ऊँची जाति के लोग अपनी हुकत चलाते हैं जिनके पास पैसा और पावर सब कुछ होता है वेदा बॉक्सर बनना चाहती है जिसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है इसके बीच वो कभी हौसला नहीं हारती मार खाकर अपमान सहकर भी वो सपने देखना नहीं छोड़ती जब अत्याचार बढ़ जाता है तो एंट्री होती है जॉन अब्राहम की जैसे महाभारत में कृष्ण की होती है ठीक वैसे ही इस बीच भरपूर एक्शन देखने को मिलता है मूवी की कहानी सोशल मैसेज देती है इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये काफ़ी फ्रेश लगती है जहां वेदा की कहानी दमदार है समाज को आईना दिखाने का काम करती है काले सच से दुनिया को रूबरू कराती है वहीं मूवी में एक्टर्स की एक्टिंग भी दिल जीतने वाली है एक्टर्स का अभिनय मूवी में जान डालने का काम करता है जॉन अब्राहम आर्मी के ट्रेंड ऑफिसर होते हैं उसी तरीके से एक्शन भी दमदार करते दिखाई दे रहे हैं तबीयत से पिटने और गोलियां खाने के बाद भी वो यानी कि जितेंद्र सिंह के सामने टिके रहते हैं इसके साथ ही शर्वरी वाघ भी मूवी में बॉक्सिंग के फाइव स्टेप सिखाती नजर आती हैं। वो भी थोड़ा बहुत एक्शन अवतार में नजर आई हैं। उनका एक्शन आपको शाबाशी देने पर मजबूर कर देगा वहीं के किरदार में अभिषेक बैनर्जी का काम कमाल का है वो मूवी में बाड़मेर के छोटे से गाँव के प्रधान होते हैं जिनका नाम जितेंद्र है गांव में उनके नियम कायदे होते हैं जिसे तोड़ने का काम वेदा करती है एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई वेदा और प्रधान जी के बीच की है जिसमें जॉन अब्राहम ने सारथी बनने का काम किया है ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कृष्ण पांच पांडवों के लिए थे इसके साथ ही आशीष विद्यार्थी को लंबे समय के बाद अपने पुराने अंदाज में देखा गया है तमन्ना भाटिया ने कैमियों किया है जो कि जॉन की पत्नी के रोल में होती हैं अब बात करते हैं मूवी वेदा के गाने और म्यूजिक की इसमें मोनी रॉय और आइटम सॉन्ग का तड़का है जिसमें मूवी में ठीक वैसा ही पलमाया गया जो विलन की मूवी में पिटाई होने वाली होती है अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि विलन के पिटने से पहले मूवी में एक आइटम सॉन्ग आता है फिर हीरो की एंट्री होती है और धमाका हो जाता है ठीक इसी तरह से मोनी रॉय का गाना बलम सो गया मेरा कल रात मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है वो आप मूवी में देख सकेंगे वहीं दूसरा गाना होलिया में उड़े रे गुलाल इसे शर्वरी वाग पर फिल्माया गया है जो कि कहानी में ट्विस्ट लेकर आता है इस गाने को मूवी में रिक्रिएट किया गया है मगर इसका इस्तेमाल सीन के हिसाब से थोड़ा समझ नहीं आता जहाँ इसे फिट किया गया है वहां ये फिट नहीं बैठता है और इसके बिना भी स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता था वही मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो ये कमाल का है बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी की हर कड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आपको कुर्सी और मूवी की कहानी से बांधे रखने में मदद करता है वेदा की कहानी और एक्शन गाने सब ठीक रहे लेकिन डायरेक्शन में आपको थोड़ी कमी महसूस होती है मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमजोर लगता है पहला तो कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है फिर ट्विस्ट भी लेट आता है उस समय तक इसकी कहानी उबाओ सी लगने लगती है लगेगा कि कब वो कड़ी आएगी जब मूवी में मजा आएगा कुछ सीन्स तो लगते हैं क्यों ही डाल दिया गया लगता है कि इसकी कहानी को समय अवधि बढ़ाने के लिए थोड़ा खींचा गया जिसे दो घंटे में भी खत्म किया जा सकता था लेकिन इंटरवल के बाद ट्विस्ट भी आते हैं और खूब एक्शन भी देखने को मिलता है अब अगर बात की जाए वेदा को देखा जाए या नहीं तो कुल मिलाकर ये एक्शन एंटरटेनर मूवी है आप इसे एंजॉय करेंगे फ्रेश कहानी है और सच्ची घटना से इंस्पायर है सबसे बड़ी बात ये है कि ये सोशल मैसेज देती है जिसे सभी लोग देखना चाहेंगे वहीं अगर आप जॉन अब्राहम के फैन हैं तो और भी मजा आने वाला है इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है तो ये मस्ट वॉच मूवी आप इसे कह सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते अभिनेत्री शेवरी वाक्य सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं मुंजिया की सफलता के बाद वो अपनी नई मूवी वेदा को लेकर सुर्खियों में हैं मूवी के लिए उन्होंने जमकर मेहनत की जो स्क्रीन पर भी साफ झलकती है हाल ही में अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट में कई इंटरेस्टिंग खुलासे किए शुभांकर मिश्रा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए वो मन्नत के सामने भीड़ के बीच खड़ी थी शाहरुख खान के बर्थडे पर मैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ में खड़ी थी शेरवरी वाघ शिवसेना सेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की नातिन हैं जब उनसे पूछा गया कि उनके संघर्षों पर लोग कई बार सवाल उठा चुके हैं तो इस पर जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा ये बातें मैंने कभी साझा नहीं की लेकिन मैंने सुई धागा जैसी सभी वाई आर एफ फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया है

मुंजिया में काम किया बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपरहिट साबित हुई मूवी ने टिकट खिड़की पर सौ करोड़ से अधिक का कारोबार कर सभी को हैरान कर दिया था वेदा के बाद वो जल्द ही अल्फा नाम की मूवी में नजर आने वाली है यश राज स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी लेकिन मुंडिया के बाद वेदा में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली शर्वरी के लिए इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था उन्होंने अपने करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया था उन्होंने प्यार का पंचनामा टू बाजीराव मस्तानी और सोनू के टीटू की स्वीटी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है इसके बाद साल 2020 में उन्होंने कबीर खान की वेब सीरीज दी फॉरगॉटन आमी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की इस वेब सीरीज में उन्होंने सनी कौशल के साथ स्क्रीन पे शेयर किया था साल 2021 में उन्होंने बंटी और बबली टू से बॉलीवुड में डेब्यू किया इस मूवी बबली रावत के, में नजर थी। इसके बाद उन्हें के जाने माने बिल्डर हैं, जबकि मां नम्रता वाघ आर्किटेक्ट हैं। इनके अलावा उनकी बहन कस्तूरी भी आर्किटेक्ट है बात करें शर्वरी के नेटवर्थ की तो ट्रिम की रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्वरी की कुल संपत्ति लगभग डेढ़ करोड़ रुपए है उनके आया का मुख्य सोर्स एक्टिंग है रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी वेदा के लिए उन्होंने लगभग पचास लाख रुपए की फीस ली है फिल्मों के अलावा शेरवरी पॉन्स और हेड एंड शोल्डर जैसे कई टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में भी नजर आ चुकी हैं जिसके लिए वो लाखों रुपए चार्ज करती हैं शेरवरी बाघ के इस इंटरव्यू की एक क्लिप रेडिट पर भी वायरल हो रही है वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने यश आज फिल्म के दफ्तर के खूब चक्कर लगाए हैं अभिनेत्री ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने लगातार यशॉर्ट फिल्म की मूवी के लिए ऑडिशन भी दिया था लेकिन बात नहीं बन रही थी शेरवरी वाक के स्ट्रगल की ये कहानी रेडिट यूजर को सच्ची नहीं लगी और अभिनेत्री ट्रोल हो गई स्ट्रीमिंग सीरीज दी रेलवे मैन के निर्देशक शिव रावील आलिया भट्ट और शेरवरी स्टारर एक्शन मूवी का निर्देशन करने के लिए तैयार इस एक्शन मूवी का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है नई मूवी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होंगी जिसमें था टाइगर टाइगर जिंदा है वॉर और पठान सहित हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। मूवी में आलिया भट्ट और शर्वरी सुपर एजेंट्स की भूमिका निभाती नजर आएंगी और इसका निर्माण जल्द ही

ये युवा हैं और उन्हें इस बात की अच्छी समझ है कि युवा एंटरटेनमेंट के तौर पर क्या चाहते सूत्र ने बताया कि आदित्य को विश्वास है कि वाईआरएफ स्पाय यूनिवर्स की एक्शन एंटरटेनर का निर्देशन करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर हैं जिसमें शरवरी के साथ आलिया भट्ट लीड रोल करेंगी अक्सर शरवरी वा को लेकर यह खबर आती रहती है कि वो विक्की कौशल के भाई सनी कौशल को रीड कर रही हैं कई बार दोनों को साथ देखा गया और खास मौकों पर दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार लुटाते हुए भी, भी नजर आते हैं हालांकि दोनों में किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं की है अब हाल ही में एक इंटरव्यू में आक्रस से विकी कौशल और कैटरीना कैफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस हैरान हो सकते हैं हाल ही में फिल्मी ज्ञान से बात करते हुए एक्ट्रेस से फैन के कुछ सवाल पूछे गए इसमें एक सवाल था कि वो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ में से किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं इसके जवाब में मुंड्र एक्ट्रेस ने कहा कि उनके हिसाब से दोनों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ ही जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि पावर कपल वर्ड सुनते ही उनके माइंड में किसका नाम आता है तो शर्वरी ने बिना टाइम लिए विक्की कैट का नाम ले लिया शर्वरी से मीडिया ने सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फीमेल से ज़्यादा मेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेल एक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है मुझे लगता है कि जिस किस्म की स्क्रिप्ट बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टर का ज़्यादा रोल है या फिर एक्ट्रेसेस का ज़्यादा रोल है अब आप हालिया रिलीज मूवी गहराइयाँ देख लीजिए उसमें इतनी खूबसूरती से दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा इसका कारण ये भी रहा कि उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली जहाँ पर उनका किरदार इतना खूबसूरती से लिखा हुआ था इसी तरह तापसी पन्नू की मूवी थप्पड़ है अभी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी देखकर आई हूँ उसमें आलिया भट्ट का दमदार किरदार है मैं कहूंगी कि एक्टर और एक्ट्रेस को दर्जा उतना ही मिलता है यहाँ इम्पॉर्टेंस बात यह है कि, कि किसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर वाली फ़िल्मों के बारे में क्या कहेंगी आजकल हमें फीमेल सेंट्रिक फिल्में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है मैं खुशनसीब हूँ कि समय इंडस्ट्री में मैं हूँ जब ऐसी फिल्में बन रही है आज लड़कियों का किरदार इतने अच्छे से लिखा जा रहा है इसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा चेंज शिफ्ट हो रहा है मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि इस दौरान इंडस्ट्री में मैं आई हूँ जब ऐसे कैरेक्टर्स कलाकारों के लिए, लिए लिखे जा रहे हैं उसके बाद ये पूछा गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री में फेमिनिज्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप तो उन्होंने कहा जैसे मैंने कहा कि गंगूबाई काठिया हो या फिर गहराइयाँ हों उस तरीके की फिल्म है जिसे मैं करना चाहूँगी औरतों ने बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसे में मुझे लगता है कि भविष्य में मैं भी ऐसी फिल्में कर पाऊँ जहाँ स्त्री टू वेदा और खेल खेल में साथ में रिलीज हुई है आइए जानते हैं कौन सी मूवी ज्यादा देखने लायक है सबसे पहले बात करते हैं स्त्री टू की श्रद्धा कपूर राजकुमार राव पंकज त्रिपाठी अपार शक्ति खुरराना और अभिषेक बनर्जी जैसे सितारों से सजी मूवी स्त्री टू सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है वैसे तो पहले इस मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जाना था लेकिन मेकर्स ने बड़े क्लैश के बीच इसे 14 अगस्त रात साढ़े नौ बजे ही रिलीज कर दिया स्त्री टू साल दो में आई हिट मूवी स्त्री का सीक्वल है पहली मूवी में स्त्री को घोष्ट यानी भूत के तौर पर दिखाया गया था लेकिन इस बार दूसरे पार्ट में सर कटे का आतंक दिखाया गया है मूवी कैसी है निर्देशन कैसा है कैसाकास्ट कैसी है इसका काम क्या है इन सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे स्त्री टू के पहले पार्ट ने सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही करीब 130 करोड़ रुपए की बंपर कमाई की मूवी की वर्ल्ड वाइड कमाई तो 182 हंड्रेड एटी तक पहुंच गई थी खास बात यह है कि छह साल पहले आई इस मूवी को महज 30 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था स्त्री के पहले पार्ट की तरह ही दूसरे पार्ट का निर्देशन भी अमर कौशिक ने ही किया है हॉरर कॉमेडी जॉनर्स में स्त्री सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली मूवी है

उनकी दोनों ही फिल्में आपस में टकरा रही हैं। इस पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है मेरे थिएटर्स के दिनों में भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे दो शो एक ही दिन प्लान किए गए हों एक नया और क्रेजी एक्सपीरियंस है उन्होंने दोनों फिल्मों के अपने कैरेक्टर को लेकर कहा कि दोनों ही एक दूसरे से बेहद अलग है अभिषेक ने कहा कि वो खुद को लकी मानते हैं कि पूरा देश उन्हें एक फिल्मों में देखेगा

इस सवाल का जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था उन्होंने कहा था अगर घर में कोई नहीं मैं अकेले हूँ तो ठीक है पर अगर मैं अकेला हूँ और मुझे शायद ऐसा फील हो कि शायद कोई कंपनी है साथ में तब मैं अकेला नहीं हूँ बिल्कुल डर लगता है इस दौरान उन्होंने कहा कि पर ऐसा नहीं है मैं एनर्जी में यकीन रखता हूँ मैं घोष पर यकीन नहीं रखता हूँ वो तो हमने अभी तक देखा नहीं है भगवान ना करे कभी हम देखे भी अब हम बात करते हैं खेल खेलने की एक महीने से थोड़े ज्यादा वक्फे के बाद अक्षय कुमार की नई मूवी खेल खेल में रिलीज हुई है पिछली मूवी सर फिरा भी इसी तरह रिलीज हुई थी और वो भी एक रीमेक थी मगर इस बार अक्षय ने अपना दायरा बढ़ाया है साउथ इंडिया से बाहर निकलकर यूरोप की एक बढ़ गई है खेल खेल में 2016 हजार सोलह में आई मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की रीमेक है मगर इस मूवी का इतना सार्वभौमिक है कि इसे भारतीय परिपाटी में ढालना आसान था बिना मूवी मूवी की आत्मा या सार से छेड़छाड़ किए बगैर का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस मूवी में लंबे अरसे बाद अक्षय की कॉमेडी में वापसी हुई है जो कि खेल खेल में को उसकी तमाम खामियों के बावजूद एक मजेदार मूवी बनाती है खेल खेल में की कहानी सात दोस्तों के बारे में है ये सब लोग एक शादी अटेंड करने जयपुर गए हुए हैं। शादी की भीड़ भाड़ से दूर ये लोग एक कमरे में बैठ कर चल कर रहे होते। तभी वर्तिका को एक गेम खेलने का आइडिया आता है खेल का नियम ये होता है कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन सामने टेबल पर रखेंगे जिसका भी फोन बजेगा वो सबको बताएगा कि उसका फोन क्यों बजा साथ ही कॉल मैसेज मेल ये सबका जवाब सब लोग एक दूसरे के सामने ही देंगे फोन का नाम आते ही ग्रुप के पुरुष सदस्य हिचकिचाने लगते हैं, हालांकि उन्हें मजबूरन इस खेल का हिस्सा बनना पड़ता है इस एक रात में एक एक कर सबके राज खुलने स्टार्ट हो जाते हैं और इस रात के बाद उन सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है पिछले दिनों एक तमिल मूवी आई थी लव टुडे इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट कमोबैश ऐसा ही था मगर वो कहानी सिर्फ एक प्रेमी जोड़े की थी जो आपस में अपने फोन एक्सचेंज कर लेते हैं मूवी को बड़ा पसंद किया गया जल्द हिंदी में इसका रीमेक बनने वाला है मगर अक्षय उसका हिस्सा नहीं है खैर खेल खेल में का विषय भले ही नॉन सीरियस और मजेदार साउंड कर रहा हो मगर यकीन मानिए जब अपना फोन पासवर्ड समेत किसी के हवाले करना पड़ता है तो चीजें अपने आप सीरियस होने लगती है ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी होता है मूवी में मज़े मजे में शुरू होती है सभी साथों किरदार की बैक स्टोरी बताई जाती है कुछ कहानियां मजेदार है कुछ थकाओं है मगर साथ आने पर वो इंटरेस्टिंग हो जाती है ये मूवी टूटती शादियों धोखे सेक्सुअलिटी और नौकरी करियर की बारे में बात करती है ये सभी बेहद कॉमन मसले हैं जिससे रिलेट करना बहुत ही इजी है उसके लिए मूवी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हालांकि ये मूवी इन टॉपिक्स को इतने जेन्यून तरीके से डील नहीं करती कि इसे गंभीरता से लिया जाए वास्तविक सल्यूशन नहीं देती बस गुड़मुड़ करके छोड़ देती है जिसे कॉमेडी और हल्का फुल्का इमोशन एंगल निकल कर आता है जो कि मूवी की मदद करता है खेल खेल में एक साफ सुथरी कॉमेडी मूवी है इसकी भी अपनी खामियां हैं ये मनोरंजन के लिए यथार्थ का दामन छोड़ देती है कई मामलों में ऐसा होता है कि ना माया ना मिली ना आराम मगर ये मूवी अपना एंटरटेनमेंट कोशेंट बचा लेती है यही इसकी जीत है हिंदी फिल्म का हीरो नैतिक रूप से कभी गलत नहीं होता है मानसिकता कई फिल्मों को ले डूबी है 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 खेल खेल में में वहां जाती है, मगर आखिरी सीन वापस लौट आती है। कुछ एक पर मूवी ज्ञान झाड़ने की भी बहुत कोशिश करती है मगर सेक्शुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने को पीछी नहीं कहा जा सकता इस मूवी ने एक असम्य अपराध किया है वो ये है कि कूच न करी जैसे सुंदर गाने को रिमिक्स किया गया है और ये कहने में कुछ मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस गाने को बर्बाद कर दिया गया इसके लिए मैं निजी तौर पर मेकर्स को कभी माफ़ नहीं करूंगी खेल खेल में अपने नाम को चरितार्थ करती है इस मूवी का मकसद है आपका एंटरटेनमेंट करना उसकी ये हर संभव कोशिश करती है अधिकतर मौक़ों पर सफल होती है एजुकेट करने की जिम्मेदारी भी ये अपने आप का अपने कमजोर कंधों पर उठाने का प्रयास करती है नाकामी सही मगर इस एफर्ट के लिए मूवी को थोड़े बहुत अंक मिलने ही चाहिए बाकी क्लीन कॉमेडी मूवी है जिसे फैमिली के साथ जाकर देखा जा सकता है अब बात करते हैं वेता की आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं लेकिन जाति ऐसी चीज है जिसकी कालिक आज भी जनता के एक बड़े हिस्से का जीवन काला कर रही है हम बड़े और तुम छोटे का हिसाब आज भी अलग अलग जगहों पर चल रहा है यहाँ ऊंची जाति के लोग दलितों पर राज कर रहे हैं अपने मानवीय अधिकारों का हनन खुलकर सांस न ले पाने का डर और मौके न मिलने की खींच को मन में दबाए आज भी कई लोग हमारी इस दुनिया में जी रहे हैं उन्हीं की कहानी मूवी वेदा में लेकर आए हैं जॉन अब्राहम और मूवी की शुरुआत होती है पीओके से जहां मेजर अभी अभिमन्यु एक मिशन पर है अपने कैप्टन के और नाम मानने की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है तब आपको दिखाया जाता है कि आखिर अभिमन्यू ने जो किया वो क्यों किया आतंकवादियों के हाथों अपनी बीवी को खो चुके अभिमन्यू उसी बीवी से किया वादा निभाने बारमेर पहुंच जाते बारमेर में अपनी अलग ही व्यवस्था चल रही है यहाँ अपने परिवार संग रहती वेदा बेरवा डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने यह भी मूवी बनाई है मूवी की शुरुआत में ही साफ कर दिया जाता है कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई रिलेशन नहीं है मूवी की कहानी असल जिंदगी के लोगों से ली गई है लेकिन नाटकीय रूपांतरण दिखाया गया वेदा को निखिल सेंसिटिव अप्रोच के साथ बनाने की कोशिश की है समाज में जाति के चलते शोषण झेल रहे लोगों का अपना दम घुटते हुए महसूस करना उनकी फस, फ्रस्ट्रेशन उनके मन का डर मूवी के किरदारों में नजर आता है सबके बीच प्रधान और अभिमन्यु के किरदार के बीच की टेंशन बहुत घंघोर है मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा है वो जलती कूदती लोगों को घूरती वेदा के जीवन में आप एंट्री लेते हैं लेकिन ये कहानी बहुत जल्द बहुत रियल और डार्क भी हो जाती है सेकेंड हाफ में भी कहानी को बराबर कसा हुआ रखने की कोशिश की गई है हालांकि इसका क्लाइमेक्स थोड़ा बिखरा हुआ है मेजर अभिमन्यु वेद और प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच चलने वाली खूनी जंग जरूर आपको अपने साथ जोड़े रखती है जॉन अब्राहम ने नो नॉनसेंस मेजर अभिमन्यु के रोल में कमाल किया है जॉन की बात हो और एक्शन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक्टर का एक्शन उनके स्टंट कमाल है इस मूवी के साथ जॉन आपको इमोशनल भी करते हैं शर्वरी ने वेदा के किरदार को बखूबी निभाया है वेदा की आंखों की आग और उसके मन की खींच को शर्वरी ने बखूबी पर्दे पर दिखाया है जितेंद्र प्रताप सिंह के किरदार में अभिषेक बैनर्जी काफी बढ़िया है आप स्त्री टू में उन्हें कॉमेडी करते देखेंगे ऐसे में वेदा में उनका काम देख आप जरूर चौंक जाएंगे एक किरदार जिसे देखकर आपका मन उसे थप्पड़ मारने का करता है वो है प्रधान का भाई यही बताता है कि एक्टर क्षित चौहान ने अपने किरदार को कितने अच्छे से निभाया है वो एक क्रूर लड़का बना है जो किसी भी हाल में अपनी छोटी सोच को एक पल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस किरदार के साथ क्षितज ने पूरा न्याय किया है आशीष विद्यार्थी दानिश हुसैन कुमुद मिश्रा दमना भारी अनुराग ठाकुर और तानिया मल्हार ने अपने रोल्स को अच्छे से प्ले किया है

प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी वो सुर्खियों में बनी रहती थी विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप की अफवाहें जोरों पर थी लेकिन तमन्ना ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताया था वही वो इन दिनों विजय वर्मा के साथ की साथ डेटिंग खबरों को लेकर लाइमलाइट हैं। तमन्ना ने अपने करियर में अधिकतर फिल्में तमिल और तेलुगु में ही की हैं। इस कारण अधिकतर लोगों का मानना है कि वो मूल रूप से साउथ से हैं। मगर ऐसा नहीं है उनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में सिंधी मूल में एक पंजाबी परिवार में हुआ था उनके पिता संतोष भाटिया पेशे से डायमंड मर्चेंट है तमन्ना की परवरिश और पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई तमन्ना तेरह साल की उम्र से ही पृथ्वी थिएटर से जुड़ गई थी जहां वो स्टेज परफॉर्म भी किया करती थी एक्टिंग के हुनर से उन्होंने कम उम्र में ही पहचान बना ली थी 2005 में उन्होंने पहली बार एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा पहली हिंदी मूवी फ्लॉप रही उम्मीद हुई कि साउथ सिनेमा का रुख हुआ दो में पहली बार वो अभिजीत सावंत की म्यूजिक वीडियो लव्सों में दिखी फिर उन्होंने इसी साल हिंदी मूवी चांद सा रोशन चेहरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था बदकिस्मती से मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी पहले ही मूवी फ्लॉप हो जाने के बाद तमन्ना के लिए काम पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था करियर में बड़े बदलाव के लिए उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया करियर के शुरुआती दिनों के बारे में तमन्ना ने बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में बताया उन्होंने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था

वो 2013 की मूवी हिम्मत वाला में अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थी इसके बाद से वो चुनिंदा हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं हाल ही में उन्हें मूवी लव स्टोरीज टू में भी देखा गया था विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर से जुड़ चुका तमन्ना का नाम तमन्ना अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रही उनका नाम विराट कोहली समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक से भी जुड़ चुका है विराट कोहली अफवाहें ये रही कि तमन्ना ने विराट कोहली को भी डेट किया था दोनों की मुलाकात एक शूट के दौरान हुई थी। इस के दोनों के बढ़ गई थी, उनका गया। की थी कि इजाबल को डेट करने लगे थे हालांकि बाद में तमन्ना ने इस खबर पर रिएक्ट किया था उनका कहना था कि उस एड शूट के बाद दोनों कभी मिले ही नहीं ये भी खबरें सामने आई थी कि तमन्ना पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजा के साथ रिश्ते में थी एक बार दोनों साथ में ज्वेलरी शॉप में भी दिखाई दिए थे तभी से डेटिंग की खबरें में तुल पकड़ लिया था इस बारे में तमन्ना ने खुद बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में कहा पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ गई हैं, हम दोनों गलती से एक ही शॉप में स्पॉट हुए थे मुझे रजाक जी के लिए ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि तब उनकी शादी हो चुकी थी और वो बच्चों के पिता थे इसके बाद तमन्ना का नाम एक यूएस बेस्ड डॉक्टर के साथ जुड़ा था इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं थी इस अफवाह के बाद तमन्ना ने एक स्टेटमेंट जारी किया था उनका कहना था ये सारी अफवाहें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं हस्बैंड की शॉपिंग करने निकली हूं ऐसी खबरें बेबुनियाद है मैं अकेली ही लाइफ में बहुत खुश हूँ इन दिनों तमन्ना विजय वर्मा के साथ डेटिंग की वजह से टाइम में हर फंक्शन में दोनों एक साथ देखे जाते हैं दोनों की डेटिंग की खबरें तब सुर्खियों में आई थी जब दिसंबर 2022 में तमन्ना और विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इसमें दोनों किस करते नजर आए थे इसके बाद दोनों को एक ही एयरपोर्ट पर अलग अलग समय स्पॉट किया गया था इसके बाद दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते तमन्ना ने अपनी सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बातों ही बातों में अपने रिश्ते को कन्फर्म भी कर दिया उनका कहना था वो और विजय एक ऐसे शख्स है जिनकी मैं बहुत केयर करती हूँ वो मेरे हैप्पी प्लेस है हाल ही में तमन्ना ने विजय के साथ लव स्टोरी टू में भी काम किया है इस मूवी में दोनों को किस करते हुए देखा गया इससे पहले तमन्ना ने किसी भी मूवी में किस नहीं किया था शूटिंग शुरू होने से पहले ही वो नो किसिंग क्लॉज क्लॉज फॉलो करती थी मगर इस मूवी में उन्होंने तोड़ दिया रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना की कुल 120 करोड़ रुपए है वो एक मूवी के लिए चार से पांच करोड़ रुपए चार्ज करती हैं मूवी बाहुबली टू के लिए उन्होंने पांच करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी वहीं उन्होंने 2018 की आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए लिए थे तमन्ना भाटिया मुंबई के आलिशान अपार्टमेंट में रहती है उनका ये अपार्टमेंट जूहू के बेव्यू अपार्टमेंट में है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है तमन्ना भाटिया के कार कलेक्शन में लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट मर्सरीज बेंच बी 5 सीरीज जैसी गाड़ियां हैं उनके पास तीन लाख का शेनैल ब्रांड का भी हैंडबैग भी है इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक मूवी स्त्री टू ये मूवी इक्कीस अगस्त दो में आई स्त्री का दूसरा भाग है इस मूवी में श्रद्धा कपूर राजकुमार राव पंकज त्रिपाठी अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिका में नजर आए इस मूवी को देखने से पहले जानने की मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग भी बातें हैं राजकुमार राव एक बार फिर से विक्की के किरदार में ही नजर आएंगे जो बस रात दिन अपने प्यार के लौटने का इंतजार करता रहता है उसका ये इंतजार कब खत्म होता है ये तो अनजान लड़की यानी श्रद्धा के वापस आने के बाद ही होता है वहीं बात करें पंकज त्रिपारी अभिषेक बैनर्जी सुनीता रजवार और अपार शक्ति खुराना की ये सभी अपने पहले के किरदार रुद्रा जाना बिट्टू और जाना की मां के किरदार में नजर आएंगे हालांकि इस बार मूवी में तमन्ना भाटिया का एक ट्विस्ट देखने को जरूर मिलेगा मूवी में तमन्ना भाटिया शमा के किरदार में नजर आएंगी आज की रात के मजेदार ट्रैक में शमा के रूप में तमन्ना ने अपने हॉट मूव से सोशल मीडिया में आग लगा दी वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी में तमन्ना शमा नाम की एक लड़की की भूमिका में नजर आएंगी स्त्री टू के ट्रेलर में तमन्ना जिसे शमा के रूप में भी जाना जाता है उसे एक आलौकिक शक्ति द्वारा घसीटा जाता हुआ दिखाया गया है हाल ही में रिलीज हुआ रोमांटिक गाना खूबसूरत में भेड़िया से भास्कर और स्त्री के अनोखे मिलन को दर्शाता है जिसमें कृति सानोन भी थी वरुण धवन बेड़िया के रूप में नजर आएंगे जो स्त्री से रोमांस करते भी दिखाई देंगे जबकि राजकुमार और भी श्रद्धा को लुभाने की कोशिश करते नजर आते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी की पहली किस्त में स्त्री का किरदार निभाने वाली फ्लोरा सैनी को अब तक सीक्वल में पेश नहीं किया गया हॉरर कॉमेडी की नई कहानी सरकटे नामक एक सिरहन राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो चंदेरी के छोटे से शहर में महिलाओं का अपहरण करता है जब शहर के लोग सरकटे से आतंकित होते हैं तो विकी रुद्र जना और बिट्टू श्रद्धा के किरदार के साथ मिलकर सरकटे को रोकने की योजना बनाते ट्रेलर में रुद्र ने खुलासा किया है कि ये सरकटे ही थे जिसने स्त्री को एक गुस्सेल आत्मा में बदल दिया था जो पुरुषों को परेशान करती थी स्त्री टू का गाना आज की रात रिलीज हुआ था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा इस गाने में तमन्ना भाटिया ने जोरदार डांस किया और लोगों की खूब वाहवाही भी बटोरी स्त्री टू के इस आइटम नंबर में तमन्ना ने अपने हॉट मूव से आग लगा दी लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इस बोल्ड और हॉट डांस मूव्स के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक कि वो अपना जन्मदिन भी भूल गई थी इन्हीं लम्हों को याद करते हुए तमन्ना ने स्त्री टू के गाने आज की रात के सेट से एक बीटीएस वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया छः साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 15 अगस्त को मूवी स्त्री टू सिनेमाघरों के लिए में आ चुकी है मूवी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है कुछ दिन बाद इसका आइटम सॉन्ग आज की रात भी रिलीज हुआ था जिसमें तमन्ना भाटिया ने अपनी हॉट मूव से सभी को हैरान कर दिया थ्री टू के गाने आज की रात में तमन्ना भाटिया का शानदार डांस हर किसी को पसंद आया इस गाने में उनकी बोलनेस ने सभी के होश उड़ा दिए लेकिन इस बोलनेस के पीछे डांस के चक्कर में अभिनेत्री की कुल्फी बन गई थी खुद अभिनेत्री ने सेट से बी वीडियो शेयर किया जिसकी झलक दिखाई तमन्ना भारिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज की रात के सेट से एक वीडियो साझा किया इस क्लिप में अभिनेत्री ठिठती सर्दी में आइटम नंबर की शूटिंग करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में तमन्ना कहती नजर आए कि इस स्त्री को आइसक्रीम खाना पसंद है आइसक्रीम बनना नहीं जैसे ही शॉर्ट कट हुआ एक्ट्रेस शॉल में लिपट गई आगे तमन्ना ने पूरे वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने इस वीडियो को शूट किया साथ ही कैसे वो इस शूटिंग के दौरान अपना बौद्ध तक भूल गई थी

जॉन को तो पूरा बिलीव है कि उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी अभिनेता हाल ही में अमर उजाला के एक इंटरव्यू के हिस्सा बने जिसमें उन्होंने मूवी को बनाने में लगी अपनी मेहनत को साझा किया साथ ही ये भी विश्वास दिलाया कि ऑडियंस का दिल जरूर जीतेगी यूं तो जॉन सादगी भरा जीवन बिताते हैं लेकिन अभिनेता का बैंक बैलेंस हैरान करने वाला है आइए जॉन की कुल संपत्ति पर एक झलक डाल लेते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम ने पिछले साल के अंत में मुंबई के खार में 70.83 पॉइंट रुपए का एक बंगला खरीदा अब्राहम ने वर्षों से अटाक बाटला हाउस परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरन न्यूयॉर्क और अन्य फिल्मों से सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन किया है जॉन इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और हॉकी टीम दिल्ली वेव राइट के सह मालिक है अभिनेता फिल्मों और ब्रांड एंड से भी तगड़ी कमाई करते हैं जानकारी के अनुसार 270 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ स्टार के पास करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां भी हैं इसमें लाम्बरगिनी गिलाड्रो भी शामिल है मुंबई के बैंड्रा में अभिनेता का समंदर किनारे एक पेंट हाउस भी है जो 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है साल 2016 में जॉन अब्राहम के पेंट हाउस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन की ओर से बेस्ट होम अवार्ड भी दिया जा चुका है इसे जॉन के पिता और भाई ने मिल्क डिजाइन किया था रिपोर्ट की माने तो अभिनेता के इस घर की कीमत साठ करोड़ रुपए है भारत के अलावा जॉन अब्राहम सात समंदर पार भी कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वेदा अभिनेता का लंदन में एक घर है जो उनके प्रोडक्शन हाउस का ओवरसीज हेडक्वार्टर है अभिनेता का लॉस एंजलिस के सबसे महंगे इलाके में एक बंगला है जहां ब्रेड पेट बेओनसे और जेनेफा लोपे समेत कई हॉलीवुड स्टार्स भी रहते हैं जॉन अब्राहम अभिनेता के साथ साथ मूवी निर्माता भी हैं मुंबई के खार इलाके में उनका ऑफिस है जिसकी कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए है प्रमोशन के वक्त जॉन ने मूवी से हटकर भगवान आस्था और धर्म पर खुलकर बात की उन्होंने ये भी बताया कि वो नास्तिक क्यों हैं जॉन ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कहा मुझे उन लोगों से बहुत जलन होती है जो भगवान में आस्था रखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आस्था में पहाड़ों को तक हिलाने की ताकत होती है आस्था और विश्वास ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं मेरे लिए धर्म यही है ईसाई मुस्लिम हिंदू यहूदी बौद्ध जैन सिख आप जो भी हो आस्था होना सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए यही सबसे बड़ा भगवान है आस्था है पॉडकास्ट के दौरान जब ज्रॉन से पूछा गया कि उनका भगवान में विश्वास क्यों नहीं है तब ड्रॉन ने कहा मैं साइंस को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं एक साइंटिफिक इंसान हूँ इसके बाद जॉ ने कहा मैं रूढ़ नहीं साउंड करना चाहता हूँ मैं लोगों का और उनके धर्म का सम्मान करता हूँ लेकिन एक बार जब किसी धर्म में तक्रहीन चीज़ें होने लगती है ना जैसे कि कुछ रीति रिवाज और परंपराएं जिन्हें देख आप सोचते क्यों ये क्यों हो रहा है ये क्या हो रहा है तो वो मुझे बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है मैं लोगों की आस्था पर कॉमेंट नहीं करूँगा मैं बस इतना कहूँगा कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लिया कीजिए वैसे जॉ ने फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया है वो एक आउटसाइडर थे शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया लेकिन इसमें उन्हें लंबे समय तक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा लोगों ने कहा तुमसे एक्टिंग नहीं होगी इसके बाद भी जॉन ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में एक्शन स्टार और सफल प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जगह बना ली बीस साल के फिल्मी करियर में जॉन ने चार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए उनकी प्रोड्यूस की गई मूवी विकी डोवनर ने एक नेशनल अवार्ड भी जीता इनकम और पॉपुलैरिटी के दम पर जॉन 2017 में फॉर््स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में जगह बना चुके हैं जॉन मिक्सड फॉमी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पिता अब्राहम जॉन कैरल के एक मलयाली सीरियन ईसाई हैं और उनकी माँ ईरानी हैं जो गुजरात से हैं जॉन का पारसी नाम फरहान अब्राहम है उनकी स्कूलिंग मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई है जहाँ ऋतिक रोशन उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन भी उनके साथ ही पढ़ते थे

बतौर मॉडल उनका पहला म्यूजिक वीडियो सूरमा था जिसके लिए सिंगर ड्रेजी बी थे जॉन ने मीडिया फॉर मैन टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशंस लिमिटेड कंपनी भी ज्वाइन की थी जो कि बाद में फाइनेंशियली क्राइसिस की चलते बंद हो गई थी अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया मॉडलिंग असाइनमेंट पूरे करते हुए जॉन ने एक्टिंग कोर्स भी पूरा कर लिया इस समय जॉन मॉडलिंग की दुनिया में जाना-माना नाम बन चुके थे और उन्हें इंडिया का टॉप मॉडल कहा जाने लगा था मॉडलिंग के बाद जॉन के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए बात साल 2002 के बाद की है जब महेश भट्ट अपनी मूवी ड्रस्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे महेश भट्ट को एक ऐसा फ्रेश चेहरा चाहिए था जो पर्सनालिटी में संजय दत्त जैसा हो उनकी ये तलाश जॉन पर आकर खत्म हो गई उन्होंने जॉन से कहा कि जिस मूवी के लिए उन्हें लेना चाहते हैं वो लीग से हटकर है जॉन ने महेश भट्ट की सारी शर्तों को माना और मूवी जिसम से साल दो में डेब्यू किया इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला मूवी में जॉन ने कबीर लाल नाम के लड़के का किरदार निभाया जिसमें हिट रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन एक करोड़ बत्तीस लाख का, का कलेक्शन किया 2003 में ही जॉन की दूसरी मूवी साया रिलीज हुई लेकिन ये पिट गई इसके बाद आई मूवी पाप और लकीर भी फ्लॉप साबित हुई लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठाने लगे एक इंटरव्यू में जॉन ने खुद एक बात कबूली थी कि वो जब मॉडलिंग से एक्टिंग में आ रहे थे तब भी लोगों ने उनसे कहा था कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है वो फेल हो जाएंगे लेकिन जॉन ने किसी की नहीं सुनी इसके बाद जॉन ऐलान करम जैसी फ्लॉप फिल्मों में दिखे हालांकि गरम मसाला और कॉल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया इसके बाद जॉन ने जिंदा टैक्सी नंबर 9211 बाबुल और काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्में की लेकिन करण जौहर के प्रोडक्शन में मूवी दोस्ताना उनकी करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई मूवी ने तकरीबन 87.15 करोड़ का कलेक्शन किया मूवी में मनशाही सफलता ने मिलने पर जॉन ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी किस्मत आजमाई 2012 में उन्होंने जे एंटरटेनमेंट के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और मूवी विक्की दोनो प्रोड्यूस की जिसमें आयुष्मान खुर्राना यामी गौतम मुख्य भूमिका में थे मूवी को क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों सक्सेस में दी इस मूवी को बेस्ट मूवी इन होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड भी मिला इसके बाद जॉन ने मद्रास कैफे प्रोड्यूस की जिसे क्रिटिक्स से सराहना मिली दो एक्शन स्टार्स में से बना दिया जॉन काफी दिनों बाद किसी मूवी में नेगेटिव किरदार निभाते दिखे थे मूवी में शाहरुख और उनके बीच पावर पैक्ट एक्शन देखने को मिला इसके लिए उन्हें 20 करोड़ की फीस भी दी गई थी यशराज की मूवी धूम में भी जॉन विलन बने थे इसके अलावा रेस टू में भी उन्हें विलन के रोल में काफी पसंद किया गया था मूवी के अलावा जॉन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही हालांकि अब वो इसे लेकर बेहद सिक्रेटिव हो चुके हैं जॉन कभी बिपाशा बासू के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे दोनों ने एक दूसरे को नौ साल तक डेट किया लिविन में भी रहे लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया इन्हें इंडस्ट्री के हॉटेस्ट कपल में से एक भी माना जाता था इनके अलग होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई लेकिन कहा जाता है कि विपाशा रिलेशनशिप को शादी में बदलने का दबाव बना रही थी जबकि उस वक्त जॉन ऐसा नहीं चाहते थे बिपाशा जॉन से शादी करना चाहती थी लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो उनका दिल टूट गया एक इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा था मुझे इस सदमे से निकलने में कई महीने लग गए थे मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि मेरा और जॉन का रिश्ता टूट चुका है विपाशा ने कहा था जॉन की वजह से मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था मैं अपना पूरा समय सिर्फ जॉन को ही देती थी फिल्में तक करना बंद कर दिया था बहरहाल इस ब्रेकअप के बाद विपाशा ने करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली थी वहीं जॉन ने 2014 में एनआरआई प्रिया रुन्चाल से शादी की जो कि एक बैंकर हैं प्रिया से जॉन की मुलाकात जिम में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और इसी जिम में बिपाशा जॉन साथ वर्कआउट भी किया करते थे विभाषा को दोनों के अफेयर की भनक नहीं थी जॉन अपनी फिटनेस को लेकर इतने सजग हैं कि वो दिन में घंटों जिम में बिताते हैं फिजिक मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं 2022 में शिल्पा शेट्टी के रेडियो शो शेप ऑफ यू में जॉन ने बताया था कि उन्होंने 27 साल से शक्कर नहीं खाई है जॉन ने यह भी कहा था कि वो मानते हैं कि शक्कर स्मोकिंग से भी खतरनाक है और इसे जहर मानते हैं वो कोल्ड ड्रिंक हो गया अल्कोहल से भी वो बहुत दूर रहते हैं टू में अमिताभ बच्चन के शो के वी सी में जॉन ने बताया था कि उनके पास कुल अठारह अच्छा बाइक्स हैं इस बाइक कलेक्शन में बी एम डब्ल्यू एस थाउजेंड आर आर यामा हावी मार्क्स के साथ साथ कावासाकी नें ये सारी बाइक् शामिल हैं जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी बाइक्स ऑफिस में ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर समय वो वहीं रहते हैं हर राइड के मुताबिक उनके पास हेलमेट भी है जॉन बिजनेस से भी कमाई करते हैं खुद फिट रहने वाले जिम, चेन आ, जिम भी चलाते हैं जे फिटनेस नाम से जॉन के दो जिम हैं। एक जिम मुंबई के वर्ली में है तो वहीं दूसरा पुणे में है इसके अलावा जॉन का दिल्ली में फैट अब्राहम बर्गर नाम से एक रेस्टोरेंट भी है जॉन की नेटवर्क टू हंड्रेड है वो अब तक करीब 45 फिल्मों में बतौर एक्टर और सात फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं उनकी अगली मूवी हाउसफुल श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री टू सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है इस हॉर कॉमेडी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है स्त्री टू में श्रद्धा और राजकुमार के साथ अभिषेक बैनर्जी पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना अहम किरदार निभाते नजर आए हैं अभिषेक बैनर्जी ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है वो एक साथ दो में दिख रहे हैं एक है स्त्री टू और दूसरा है वेदा मगर अपनी धाक जमाने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है एक्टिंग के लिए उन्होंने बहुत ऑडिशन दिए हैं अभिषेक बैनर्जी ने अपने करियर की शुरुआत रंगदे बसंती से की है वो स्त्री भेड़िया जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं इसके अलावा उन्होंने मिर्जापुर और जैसे वेब शोज में भी काम किया है जो सुपरहिट साबित हुए थे अभिषेक का शुरू से सपना था कि वो एक्टर बने लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो आई ऑफिसर बने वो आर्मी बैकग्राउंड से थे जिसकी वजह से उनके पापा चाहते थे वो ऑफिसर बने नव भारत टाइम्स से खास बातचीत में अभिषेक ने अपने करियर के बारे में बात की उन्होंने अपने रिजेक्शन के दिनों को याद किया था उन्होंने कहा मुझे डर था कि मैं एक्टर बनने तो आया हूँ पर बन पाऊँगा या नहीं मैं दिल्ली में थिएटर करता था एक्टिंग के अलावा मुझे और कुछ आता भी नहीं था अभिषेक एक्टर बनने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ एक जगह ऑडिशन देने लगे जहाँ पर एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर थे अभिषेक ने कहा मैं उन कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन कराना चाहता था मगर उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया मैं घंटों तक लाइन में खड़ा रहा था मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था मगर मैं अमर कौशिक निखिल आडवाणी विपुल शाह जैसे डायरेक्टर्स को शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया अभिषेक बनर्जी सभी से अनोखे हैं हथोड़ा हाँ त्यागी से मशहूर हुए एक्टर अब जना के रोल में भी पॉपुलर है मगर इनकी गाड़ी यहां पहुंची कैसे आइए जानते हैं अभिषेक बनर्जी का जन्म 5 मई 1985 को पश्चिम बंगाल के खड़कपुर में हुआ था इनके पिता का नाम आलोक बनर्जी है वो पूर्व सहायक कमांडेंट थे वहीं उनकी माँ का नाम सुमीरा बैनर्जी है जो एक हाउसवाइफ है एक्टर ने दिल्ली में ग्रेजुएशन किया था इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी मगर मन नहीं हुआ तो इससे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री हासिल की अभिषेक बनर्जी दिखने में जितने साधारण हैं वैसे वो असल में है नहीं अब आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है उनके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं तो ये एक शानदार एक्टर के साथ साथ अक्लमंद शख्स भी हैं एक्टर ने इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई के बाद वहीं से अभिनय की पढ़ाई भी की और मल की ड्रामेटिक सोसाइटी में मेम्बर बन गए फिर इन्होंने दिल्ली थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की दीदी शो स्कूल डेज में काम किया उनकी पहली फिल्म रंग दे बसंती थी जिसमें वो एक डॉक्यूमेंट्री रोल के लिए ऑडिशन देने वाले स्टूडेंट बने थे एक्टिंग के बारे में तो आपने जान लिया अब उनके दूसरे हुनर के बारे में भी, भी जान लीजिए साल 2008 में अभिषेक दिल्ली से मुंबई आ गए थे यहाँ दो साल बाद उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर की नौकरी की एक्टर से सीधे वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए थे हालांकि इसी साल उन्होंने सोल ऑफ सैंड में भी अभिनय किया था मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक ने दी डर्टी पिक्चर और नो वन किल जैसिका में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था उन्होंने रानी मुखर्जी स्टारर मूवी में एक्ट भी किया था इसके अलावा बजाते रहो और मिक्की वायरस में भी उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम किया था जिस वेब सीरीज से अभिषेक बैनर्जी फेमस हुए उसमें भी ये कास्टिंग डायरेक्टर थे जी हाँ यहाँ हम बात करें पाताल लोक की जिसमें ये हथौड़ा त्यागी बने थे और इनके किरदार ने सभी को झमझोर कर रख दिया था 2006 से ये इंडस्ट्री में एक्टिव हैं जिसमें से इन्होंने कई सीरीज़ की है कई फिल्में की हैं और कई फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है हालांकि वो बात अलग है कि ये लीड रोल में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं साइड रोल से ही इनकी काम चलना स्टार्ट हुई है मगर जो भी काम किया है इन्होंने सबसे बवाल ही मचाया है और मचा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स को दिए के इंटरव्यू में स्त्री टू और वेदा लोक एक्टर अभिषेक बानर्जी से स्टार्स की भारी फीस के चलते फिल्मों के बढ़ते बजट के बारे में भी उनकी राय पूछी गई इस पर उन्होंने कहा ये पूरी तरह से स्टार्स की चीज़ है इसके लिए एक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उन्होंने बताया कि जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि स्टार्स की तरह से अनुचित डिमांड की जाती है उन्होंने कहा मैं कई सालों से फिल्मों और शो के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ कुछ स्टार्स द्वारा बहुत सारी अनावश्यक मांगे की जाती हैं इससे होता क्या है कि एक्टर्स को पैसे नहीं मिलते मुझे मेकर्स द्वारा कहा जाता था कि कम पैसों में कास्ट करो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि स्टार्स ये सच्चाई जानते हैं या नहीं कई बार अच्छे एक्टर्स को फिल्मों और सीरीज़ के लिए मामूली सा पैसा मिलता है उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्स की वजह से लोग थिएटर में फिल्में देखने आते हैं लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक्टर्स मूवी की कहानी में वैल्यू जोड़ते हैं उन्होंने कहा कि कोई किसी स्टार के बॉडीगार्ड को एक एक्टर के दैनिक वेतन से आधुनिक भुगतान नहीं कर सकता अभिनेता अभिषेक बैनर्जी ने 15 अगस्त को अनोखा कारनामा करके दिखाया उनकी एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज़ हुई और दोनों ही फिल्मों में उनके अहम किरदार थे खास ये है कि दोनों ही फिल्मों के लिए उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है जी हाँ हम बात करें स्त्री मूवी के जना यानी अभिषेक बैनर्जी की स्त्री टू हॉरर कॉमेडी है तो वेदा एक्शन मूवी है जिसमें वो अहम रोल में है अब अभिषेक बनर्जी का इन दोनों फिल्मों के साथ एक साथ रिलीज़ होना और उनकी तारीफ को लेकर रिएक्शन आया है स्त्री और वेदा के लिए मिल रही तारीफ पर अभिषेक बनर्जी ने कहा यह दोहरी रिलीज़ एक अनूठी चैलेंज थी और मैं दोनों फिल्मों के लिए मिल रहे प्यार और सराहना को देखकर बहुत खुश हूँ इस तरह के विपरीत किरदारों को एक के बाद एक निभाना कोई आसान काम नहीं था लेकिन सकारात्मक समीक्षा और ऑडियंस की प्रतिक्रियाएं काफ़ी मायने रखती है मैं हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अपनी फैंस का आभारी हूँ इन फिल्मों की रिलीज़ पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एक ही दिन दो फिल्में का रिलीज़ होना अनबिलीवेबल है ये बॉक्स ऑफिस पर खुद को टक्कर देने जैसा है मैं ये नहीं सुन सकता या नहीं चुन सकता कि कौन सी मूवी मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये आपके पसंदीदा बच्चे को चुनने या तय करने जैसा है कि आप किसे माता पिता को है और किसे ज़्यादा अधिक प्यार करते लेकिन मैं जो कह सकता हूँ वो ये है कि ये मेरे प्रशंसकों के लिए एक ही दिन में मेरे दो अलग अलग पक्षों को देखने का एक शानदार अवसर है ये दोहरी सफलता अभिषेक बैनर्जी के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसने बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है इस बैक टू बैक जीत के साथ अभिषेक ने मूवी उद्योग में अपने लिए एक जगह बनानी जारी रखी है और अपना हर भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया है अभिषेक बैनर्जी ने मूवी वेदा में एक राजस्थानी दबंग का किरदार निभाया है जो जाति जगत भेदभाव करने के चलते मूवी की नायिका वेदा के निशाने पर आ जाता है मूवी में वेदा का किरदार शर्वरी वाघ ने किया है जिसे मूवी में मेजर अभिमन्यु का किरदार निभा रहे जॉन अब्राहम प्रशिक्षित करते हैं जॉन और शर्वरी के अलावा मूवी में अभिषेक बैनर्जी आशीष विद्यार्थी कुमुद मिश्र और राजेंद्र चावला ने भी अहम भूमिका निभाई है नए कलाकारों क्षितेश चौहान की इस मूवी को लेकर अभी से खूब तारीफ हो रही है मूवी वेदा के ट्रेलर लॉन्च में जॉन और शर्वरी ने भी उनका नाम लेकर उनका जिक्र कई बार किया है मूवी में तमन्ना भाटिया और मोनी रॉय की भी खास भूमिकाएं हैं वेदा में कुमुद मिश्रा भी अहम रोल में है लेकिन इनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं आइए इन पे गौर फरमाते 16 अगस्त को एक्टर कुमुद मिश्रा का बर्थडे होता है वो आदमी जिसके पास रणबीर कपूर गए अपना दिल टूटने से बचाने के लिए जिन्होंने सलमान खान से कहा कि ज़्यादा शाहरुख खान ना बने एक और एक्टर है आयशा रजा मिश्रा कुमुद मिश्रा की पत्नी भी हैं उनका भी बर्थडे सिक्सटीन ऑफ तो ऑगस्ट को ही होता है ये भी एक संयोग है आजकल जन्मदिन सिर्फ ग्राम में नहीं इंस्टाग्राम में भी बनता है आयशा ने कुमुद को बर्थडे विश करते हुए लिखा जी हम अपने बर्थडे को बहुत सीरियसली लेते हैं मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि मैं अपना जन्मदिन इस कमाल के काबिल दयालु और बड़े दिल वाले आदमी के साथ शेयर करती हूँ हम दोनों को हैप्पी बर्थडे कुमुद मिश्रा कुमुद मिश्रा ने भी जवाब में विश करते हुए कहा कि फिर से सोलह अगस्त फिर से एक जन्मदिन हम दोनों का माता पिता है अब कुछ रवायती बातें काम की बातें कुमुद मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत स्वाभिमान से की थी दूरदर्शन के इस चर्चित शो में उन्होंने एक ट्रेड यूनियन लीडर का रोल किया था 1996 में इनकी श्याम बैनिकल डायरेक्टेड पिक्चर आई सरदारी बेगम मगर लोगों ने कायदे से जाना रॉकस्टार में खटाना भाई के रोल से अगले साल उनकी फ़िल्म स्तान आई जिससे बेस्ट हिंदी मूवी का नेशनल अवार्ड मिला उसके बाद काम की झड़ी लग गई रांझना बदलापुर सुल्तान रोस्तम जॉली एलएलबी मुल्क टाइगर जिंदा है थप्पड़ और कुत्ते जैसी फिल्मों में काम किया इन सब के बीच इन्होंने राम सिंह चार्ली नाम की पिक्चर कर डाली जिसकी खूब तारीफ हुई फिर डॉक्टर अरोगरा नाम की सीरीज आई जबरदस्त काम माना गया कुमुद मिश्रा आखिरी बार लव स्टोरी टू में काजोल के साथ दिखाई दिए थे इसमें उनका किरदार एक अब्यूजिव हजबेंट का था पिछले साल उनकी सलमान खान के साथ टाइगर थ्री भी आई थी वहीं अगर कुमुद की वाइफ की बात करें तो आयशा रजा मिश्रा ने अपना करियर स्टार्ट किया था थिएटर से धीरे धीरे आज फिल्में और फिर टीवी शोज में एंट्री हुई उनकी पहली पिक्चर थी रजत कपूर डायरेक्टर रघु रोमियो फिर धूम में उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था साल 2015 में उन्होंने वैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम किया मगर जोया अख्तर की दिल धड़कने दो और यूट्यूब सीरीज बैंग बाजा बारात ने उन्हें मकबूलियत बख्शी इससे पहले ही उन्हें अपना टाइप पता चलता फिल्म इंडस्ट्री ने स्टीरियो टाइप कर दिया उन्हें लाउड पंजाबी माँ टाइप के रोल में मिलने लगी जो अपने आप में बड़ा स्टीरियो मसला है खैर आगे आयशा ने हैप्पी भाग जाएगी बेफिक्रेम मदारी एक प्रेम कथा सोनू की की टीटू स्वीटी वीरे दी वेडिंग और भारत जैसी फिल्मों में काम किया वो आखिरी बार तू झूठी मैं मकार में दिखाई दी थी इसके अलावा वो एमेजोन प्राइम सीरीज मेड इन हेवन फॉर और जी फाइव सीरीज मैरिड वुमेन का भी हिस्सा रह चुकी हैं एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता कुमुद मिश्रा ने कहा कि ऑडियंस को भले ही मेरा काम पसंद आता हो लेकिन मैं अपनी फिल्में नहीं देखता क्योंकि उस पर मुझे मेरी खामियां नजर आती हैं रॉकस्टार अच्छी मूवी है ये मूवी मैंने चार साल बाद देखी मूवी निर्माण के दौरान मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अच्छा काम किया है कुमुद ने कहा कि मुझे थिएटर में मज़ा आता है एक मूवी के ऑडिशन के लिए मुंबई आया और जोगेश्वरी में कदम रखा तो मुझे लगा कि इस शहर से मुझे जाना नहीं है लेकिन सिनेमा कहीं दिमाग में नहीं था इस प्रमाण ये है कि सरदारी बेगम मूवी करने की भूमिका के बाद दस साल सिनेमा नहीं किया मैं टेलीविज़न सिर्फ पैसे के लिए करता था मेरी थिएटर की भूख पूरी हो रही थी जब मैं टेलीविज़न से उब गया तब सिनेमा की तरफ रुख किया अभिनेता मिश्रा ने कहा कि गाँव कस्बे से लेकर महानगर तक जीवन जिया उसका अनुभव मुझे मेरे काम में मदद कराता है जब कोई किरदार करता हूँ तो मुझे पता भी नहीं होता कि कब पिता कोई रिश्तेदार मित्र उस किरदार में शामिल हो जाते हैं पढ़ने के शौक के बारे में कहा कि जितना पढ़ पाता हूँ पढ़ता हूँ लेकिन अजीब बात यह है कि भूल जाता हूँ सिर्फ भाव रह जाता है घटनाएं छूट जाती हैं इमोशंस ही साथ रहते हैं मुझे लगता है कि किताबों के साथ समय बिताना जरूरी है किताबें हमें जीवन देती है भाषा के बारे में उन्होंने कहा कि अब भाषा अर्थ खोती जा रही है संवाद करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है आजकल लोग इमोजी में बात करते हैं कोई गुजरता है तो हम जाने के लिए बजाय आर लिख देते हैं छुटकारा पा लेते हैं कुमुद ने श्रोता गनों के सवालों के जवाब भी दिए कुमुद मिश्रा ने बताया कि जब वो बिहार आ रहे थे तो उनके जहन में सिर्फ यही था कि पटना पहुंचने पर सबसे पहले अपना वर्क स्पेस देखना है जहां पर जाकर थिएटर करना है लेकिन जब भी बिहार का जिक्र होता है तो इसका बड़ा इतिहास रहा है यहाँ से निकलकर बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है बिहारी लोग काफी जीवित होते हैं और अपनी मेहनत से अपनी प्रतिभा का हर जगह लोहा मनवाते अपनी जगह बनाते बिहारी लोग काफी जुझारू होते उन्होंने बताया कि वो खाने पानी पीने की शौकीन हैं और पटना आने पर सबसे पहले उन्होंने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया उन्हें लिट्टी चोखा काफी पसंद आया कहते हैं जब अभिनय में जा रहे हैं तो टिके रहे संघर्ष तो है ही रास्ता बनता है अपने सिचुएशन के अनुसार रास्ता तय करते हुए डटे रहे थिएटर अभिनय की बारीकियों से अवगत कराता है अभिनय की चा रखने वालों के लिए थिएटर करना और थिएटर देखना बहुत जरूरी है अभिनय में हर कैरेक्टर अपने साथ प्रक्रिया लेकर आता है और ये अभिनय के दौरान पता चलता है वहीं उनको हालिया रिलीज मूवी वेदा की बात करें तो अच्छी शुरुआत के बाद कई बार क्रिकेट के गेम में खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है काफी उम्मीदें जगाने के बाद भी कोई चीज़ निराश कर जाती है कुछ ऐसा ही वेदा के साथ हुआ अच्छा ट्रेलर अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा फर्स्ट हाफ लेकिन फिर भी कहीं रह गई कमी ये कहानी है ऊंच नीच की जात पात की जो कई जगह सालों से चल रहा है राजस्थान के बाड़मेर की ये कहानी जहाँ एक सौ का प्रधान वहाँ का कानून तय करता है वहाँ एक नीची जात के लड़के को ऊँची जात की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर शुरू होता है एक खूनी खेल वेदा नीची जाति की लड़की है बॉक्सर बनना चाहती है आर्मी से निकाले गए अभिमन्यु यानी जॉन उसकी मदद करते हैं लेकिन फिर वेदा के भाई की मोहब्बत उसके परिवार पर भारी पड़ती है और फिर क्या होता है आप थिएटर न जाए तो कैसे पता चलेगा खैर ये मूवी शर्वरी की मूवी है वही सेंट्रल कैरेक्टर में है मूवी की शुरुआत अच्छी होती है जात पात के लेकर भेदभाव के कुछ ऐसे सीन आते हैं जो आपको चौंकाते हैं आपको लगता है कि सिर्फ एक ही एक्शन मूवी नहीं है इसमें और भी कुछ है फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा लगता है उम्मीद जगाता है लेकिन फिर सेकेंड हाफ़ में वही होता है जो हम कई हज़ार फिल्मों में देख चुके हैं ऊँची जाति के लोगों से ड्रॉन बस शर्वरी को बचाते हैं बचाते बचाते हैं और थिएटर में बैठे हम पछताते हैं मूवी में एक्शन का डोज थोड़ा कम करके इमोशन और बढ़ाया जाता है कहानी पर थोड़ा और फोकस किया जाता है तो ये और बेहतर मूवी बन सकती थी शर्वरी मूवी की जान है उन्होंने कमाल का काम किया है चाहे बोली पकड़ना हो या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज हो वो शानदार लगी है वो एक के बाद एक कमाल का काम कर रही हैं सेकेंड हाफ में जो वो बाल कटवाती हैं तो उन्हें देखने लायक होता है उनका काम बताता है कि आने वाले वक्त में वो हिंदी सिनेमा पर राज करेंगी जॉन अब्राहम का काम बहुत ही अच्छा है वो किरदार में सूट किए हैं वो कम बोलते हैं और इस बार को जस्टिफाई भी किया गया है एक्शन में जॉन वैसे भी कमाल करते हैं अभिषेक बैनर्जी का काम शानदार है विलन के किरदार में अभिषेक ने जान डाल दी थी वो वैसे भी कमाल के एक्टर हैं, स्क्रीन पर आते हैं तो बवाल काट देते हैं आशीष विद्यार्थी ने एक बार फिर शानदार एक्टिंग की है क्षितिज चौहान का काम भी अच्छा तमन्ना भाटिया का कैमियो भी अच्छा है कुमुद मिश्रा छोटे से रोल में भी याद रह जाते हैं निखिल आडवाणी का डायरेक्शन ठीक ही ठाक है फर्स्ट हाफ़ में उन्हें पूरे नंबर और सेकेंड हाफ़ में आधे नंबर अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए फर्स्ट हाफ में मूवी एक शानदार मूवी होने की उम्मीद जगाती है और सेकेंड हाफ शुरू होते होते टूट जाती है हाफ पर और अच्छा काम होता तो ये एक बेहतरीन मूवी मूवी बन जाती। कुल मिलाकर ये देखी जा सकती है। शर्वरी और इस के, के लिए इस को साल के हो चुके आशीष विद्यार्थी की पहली हिंदी मूवी द्रोह काल थी इसमें निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था मूवी के डायरेक्टर गोविंद नलहानी थे जब के नेशनल का अनाउंसमेंट हुआ तो में जाकर सिर्फ तीन बुक थी। इसकी बड़ी उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना था आशीष ने बताया था जब लोग आना स्टार्ट हुए और रेस्टोरेंट की आदि जगह भर गई तो मेरी चिंता बढ़ने लगी लोग पारे एंजॉय कर रहे थे और मैं कोने में माथा पकड़े बैठा हुआ था पार्टी के अंत में मैं गोविंद जी के पास गया और अपनी चिंता जाहिर की उन्होंने मेरी ओर देखा और शांति से बोले तुमसे किसने कहा है इस बारे में चिंता करने के लिए ये मुझ पे छोड़ दो मेरी पार्टी है तब मैंने उनसे कहा कि अगर आपने ये पहले ही मुझे बताया होता तो भी मैं पार्टी इन्जॉय कर लेता ना खैर आशीष आगे कहते हैं आज मैं इन सभी बातों पर हंसता हूँ लेकिन उस वक्त मेरे लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा था मैं बॉम्बे में पैसा कमाने और अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने आया था

उनकी मां रेबा फेमस कथक डांसर थी, तो पिता गोविंद विद्यार्थी जाने माने थिएटर आर्टिस्ट आशीष का प्ले दयाशंकर की डायरी काफी पॉपुलर है इसके उनके सबसे लंबे मोनो में के रूप में जाना जाता है आशीष ने विद्यार्थी सरनेम अपने पिता से लिया है दरअसल उनके पिता गोविंद विद्यार्थी ने यह सरनेम फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी को सम्मान देने के लिए रखा था कहा जाता है कि गोविंद अपनी युवा अवस्था में अक्सर गणेश शंकर विद्यार्थी का रोल निभाया करती थी किरदार निभाते, निभाते निभाते उनके मन में वैसा ही बनने की इच्छा जागी और उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी सरनेम लगा लिया आशीष असल जिंदगी में एक बार मरते मरते बचे थे बात अक्टूबर 2014 की है दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के महमरा अनिकट पर बॉलीवुड डायरी की शूटिंग के दौरान आशीष विद्यार्थी डूबते डूबते बचे थे शूटिंग के लिए आशीष को पानी में उतरना था लेकिन वो ज्यादा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे वहां मौजूद लोगों को लगा कि ये मूवी का कोई सीन है इसलिए कोई मदद करने के लिए भी नहीं गया तब वहीं ड्यूटी पर तैनात विकास सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने उनकी जान बचाई थी आशीष विद्यार्थी ने बंगाली सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस रही शकुंतला बरुआ की बेटी राजोशी बरुआ से शादी की राजोशी भी टीवी वी एक्ट्रेस है उन्होंने सुहानी सी एक लड़की जैसे सीरियल्स में काम किया है आशीष और राजोशी का एक बेटा है जिसका नाम अर्थ है बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 57 साल की उम्र में दूसरी शादी की जैसे ही उनकी शादी की खबरें आई तो उन्हें लेकर तरह तरह की बातें किए जाने लगी कुछ ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए तो कुछ ने उनकी पूर्व पत्नी राजोशी बरुआ पर सवाल दागे। अब आखिरकार आशीष विद्यार्थी ने चुप्पी तोड़ दी थी एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर एक हर एक एक सवाल का जवाब दिया आइए बताते हैं आशीष विद्यार्थी ने दूसरी शादी वाइफ और बेटे अर्थ विद्यार्थी को लेकर क्या कुछ बताया आशीष विद्यार्थी ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया वो कहती है हम सबकी अलग अलग ज़िंदगी है और हम सबकी अलग ज़रूरतें हैं सबके पास अलग अलग अवसर भी हैं सब अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से भी जी रहे हैं मगर एक चीज़ कॉमन है हम सभी अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहते हैं ठीक ऐसे ही मेरी जिंदगी में बाईस साल पहले पिल्लो आई हम दोनों ने बहुत अच्छी दोस्ती बनाई पति पत्नी के रूप में ये जर्नी जी इस दौरान हमारी जिंदगी में प्यारा बेटा अर्थ आया आशीष विद्यार्थी तलाक और अलगाव पर बात करते हुए साझा करते हैं कि इस 22 साल की जर्नी के दौरान ढाई साल या दो साल पहले हमने पाया कि जो चीज़ें हम भविष्य के लिए और देखते हैं वो बिल्कुल अलग अलग है हम दोनों ने कोशिश की कि इन डिफरेंस को दूर करें मगर ये नहीं चाहते हुए भी हम इस पे होने लगे और हमको ये चीज़ नहीं चाहिए था अंत में हमने ये पाया कि जिस तरह हमने 22 साल जिए हैं उसी तरह आगे भी रहे हम नहीं चाहते थे कि खुद को या दूसरों को दिखाने के लिए हम यूँ साथ साथ रहने का ढोंग करें हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो लोग अलग रहते हुए भी एक शादी में रहने का दिखावा करते मगर हम दोनों में से ऐसा दोनों में से कोई नहीं चाहता था बस इसलिए हमने अलग होने का सोचा राजोषी बरुआ से अलग होने पर आशीष विद्यार्थी बताते हैं अब हमारी राहें अलग अलग हो गई हैं। दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला लिया है हमारे बीच कोई नाराजगी कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ भी नहीं है दोनों ने बेटे और कुछ करीबी लोगों के साथ बैठकर बातचीत की और जिंदगी में नया कदम उठाया जिंदगी वो है जिसमें हम जिंदगी में खुश रहें। आशीष विद्यार्थी ने दूसरी शादी पर भी चुप्पी तोड़ी उन्होंने बताया कि आखिर उनकी मुलाकात कब और कैसे रूपाली बरुआ से हुई उन्होंने कहा मैं जिंदगी में अकेले नहीं रहना चाहता था इस बीच मुझे रूपाली मिली एक साल से हम लोग बातचीत करते आए फिर मुझे लगा कि मैं मैं उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूं। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था इसलिए हमने शादी का फैसला लिया पचास साल की रूपाली तो मैं साठ साल का नहीं बल्कि फिफ्टी सेवन साल का हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा विलन की बात हो तो इनमें अभिनेता आशीष विद्यार्थी का नाम भी शामिल है जो फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से किरदारेलुगू मलयालम कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने विलेन की ही भूमिका निभाई है आशीष ने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी पहचान बनाई उनकी फिल्म द्रोखला के लिए उन्हें फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया आज इस खास मौके पर जानिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आशीष ने 300 से अधिक फिल्मों में 11 भाषाओं में काम किया है आशीष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित अपनी पहली मूवी सरदार पी वी मेनन की भूमिका निभाई हालांकि उनकी पहली रिलीज द्रोहकाल थी जिसके लिए उन्होंने नाइनटीन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता आशीष को मूवी 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी में आशुतोष के रूप में अपनी भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध मिली है अभिनेता आशीष विद्यार्थी को सभी लोग विलन के किरदार के लिए जानते हैं उनके विलन के किरदार ने आशीष की एक अलग ही पहचान बनाई हुई है आशीष बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायों की लिस्ट में शुमार हैं उनके नेगेटिव किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है फ़िल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन में भी कई शोज़ किए हैं सिनेमा जगत के सबसे हूंखार खलनायकों में से एक आशीष विद्यार्थी अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए खूब तारीफ़ें बटोरते रहते हैं उन्होंने कई फिल्मों में विलन का कैरेक्टर निभाया तो कुछ में पॉजिटिव रोल भी किए हैं बिच्छू जिद्दी और कई बॉलीवुड फिल्मों में विलन की भूमिका निभाकर मशहूर हुए आशीष विद्यार्थी ने अपने सिनेमा करियर की शुरुआत कन्नड़ मूवी आनंद से ही की थी साल 1991 में उन्हें मूवी काल संध्या से बॉलीवुड में ब्रेक मिला इसी मूवी के बाद अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इसके बाद आशीष विद्यार्थी ने नाइनटीन में अ लव स्टोरी सरदार बिच्छू द्रोखला बर्फी और बाजी जैसी कई फिल्मों में काम किया वेदा में मम्मी ट्री आइटम सॉन्ग से आग लगाने वाली मोनी रॉय हर वक्त चर्चा में रहती हैं। 28 सितंबर 1985 के दिन पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में जन्मी मोनी रॉय आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है उन्होंने टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की और बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा जमकर दिखाया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपना ये सपना पूरा करने के लिए मोनी रॉय ने अपने पापा का सपना भी तोड़ दिया था आइए आपको मोनी रॉय की जिंदगी से कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं मोनी रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पापा उन्हें आई ऑफिसर बनाना चाहते थे लेकिन उनके मन में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना थी हालांकि जब वो दिल्ली आई तब वो पत्रकार बनने की कोशिश में लगी हुई थी इसके लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन भी लिया था हालांकि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से आग लगाने में माहिर मोनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी इसके बाद वो एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आई इस सीरियल में उन्होंने कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था हालांकि टीवी सीरियल नागिन ने मोनी को घर-घर में मशहूर कर दिया इसके अलावा वो महादेव कस्तूरी दो सहेलियां जुनून ऐसी नफरत तो इश्क कैसा आदि सीरियल में भी नजर आई गौरवत랍 है कि मोनी रॉय बड़े पर्दे पर भी अपनी अदाकारी का जादू दिखा चुकी हैं उन्होंने अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था इसके अलावा वो रोमियो अकबर वॉल्टर मेड इन चाइना आदि फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं हाल ही में वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में नजर आई थी बता दें कि मोनी रॉय ने साल 2022 के दौरान बिजनेसमैन सूरज नाबियार से शादी रचाई मोनी रॉय ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा जब वो लिप सर्जरी के बाद मीडिया के सामने आई लोगों ने जमकर इनकी आलोचना की लेकिन जब इस बारे में आकर से पूछा गया तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी वाली बातों को बकवास बताया था खबर थी कि मोनी रॉय अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोले छुड़िया में नजर आएंगी रिपोर्ट के मुताबिक मोनी ने इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की भी वजह बताई थी क्योंकि प्रोड्यूसर को उनका रवैया अनप्रोफेशनल लगा था मोनी रॉय पर आकर अमित टंडन ने गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने कहा था कि ने उनकी पत्नी रूबी टंडन का इस्तेमाल किया है वो कृष्णा तुलसी के रोल में थी मोहित रैना और मोनी रॉय ने सीरियल देवो के देव महादेव में भी देवी सती का किरदार निभाया था इस शो की शूट के दौरान दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई और जल्दी ये दोनों बॉन्डिंग प्यार में बदल गई दोनों की क्लोजनेस की कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुई हालांकि दोनों ही अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी प्राइवेट रहे ऐसे में दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया मोनी रॉय और टी एक्टर गौरव चोपड़ा ने चार साल तक एक दूसरे को डेट किया इन दोनों ने साथ में रियालिटी शो पति पत्नी और वो में भाग भी लिया था खबरें तो ये थी कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे लेकिन निजी कारणों के चलते चार साल के बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया कई लोगों को डेट करने के बाद आखिरकार मोनी रॉय ने इसी साल 27 जनवरी 2022 को दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नामबियार से गोवा में शादी की मोनी रॉय पुराने दिनों की याद करते हुए कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाऊंगी उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थी मैं अपने कॉलेज के बाहर टहल रही थी तभी किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया और मुझसे पूछा कि क्या एक सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहोगी मोनी रॉय अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं मैं यूं ही नहीं यहाँ कहती थी ऑडिशन देने के लिए मैं तैयार हो गई मैंने सोचा था छुट्टियाँ हैं ये काम करके देखती हूँ कैसा लगता है मोनी रॉय ने तब क्योंकि सास भी कभी बहू के लिए ऑडिशन दिया था और वे शो में अगली पीढ़ी के बच्चों के रूप में शामिल हो गई इसके बाद मोनी रॉय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा आज वो टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन कलाकारों में से एक है ऑडियंस को इस शो में उनका किरदार काफ़ी पसंद भी आया था मोनी कहती है मैंने सोचा था कि गर्मी छुट्टी के बाद मैं वापस लौट जाऊंगी लेकिन ये कभी नहीं हुआ मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया था मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि शूटिंग के दौरान केवल तीन से चार घंटे ही सो पाती थी लेकिन मुझे इसके लिए कोई शिकायत नहीं है किसका दोस्तों लगता है मोर्निंग रॉय को जल्द ही चेज होने वाली है हाँ क्योंकि अगर वो ऐसे ही आइटम सॉन्ग करके अपनी अदाओं से लड़कों को मार देगी तो फिर क्या ही होगा हमारे देश में और अब वो एक नया आइटम सॉन्ग लेकर आई है तो जॉन अब्राहम की अपकमिंग एक्शन थुल वेदा का आइटम सॉन्ग मम्मी जी हो चुका है आउट और मम्मी जी ये दो शब्द सुनने के बाद दुनिया भर की सारी मम्मियाना खुशी से दयाबेन की तरह गरबा कर गर रही होगी पर भाई मोनी रोए मम्मियों के लिए थोड़ी ना ठुमके लगाएगी सोचने वाली बात है ना दोस्तों बल्कि उन्हें तो हम एक बाल में देखते हैं जहां उनके आइटम सॉन्ग की सही जगह है तो इस गाने की शुरुआत में हम देखते हैं कि लटकते मटकते अंदर से मोनी आती है और बाहर वेट कर रही उनकी ऑडियंस हो जाती है फुल चार्ज वैसे इन सब ने हाथ में पकड़ा है शराब का गिलास पर उस शराब से भी अधिक नशा इन्हें मोनी के अदाव से हो रहा है क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अब साक्षात टीवी की नागिन ऐसी अदाएं दिखाएंगी तो नेवले तो बाबले हो ही जाएंगे ना और फिर क्या एक के बाद एक मोनि रॉय अपने डांस स्टेप दिखाती है अपने ग्लास अंदाज में और लगा देती है स्टेज पर बिल्कुल फायर वैसे नोटिस करने वाली बात ये दोस्तों कि उनके आजू बाजू झूमने वाले लोगों में सिर्फ जवान बंदे ही नहीं है बल्कि कुछ अंकल जी भी है जिनकी पता नहीं कौन सी कौन सी वाली उमरिया लौट आई है पर अंकल जी ने बिना कड़क बीट पकड़ा है भाई मोनी रॉय को फॉलो करते हुए वैसे एक मिनट सात सेकेंड पर अगर आपने गाने की एक लाइन अरे क्या कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी को ध्यान से सुनोगे ना आप तो आपको राजकुमार राव की पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके इसकी याद जरूर आएगी और जैसे ही गाना एंडिंग की तरफ जाता है तो फिर हम भी दर्शन होते हैं जॉन अब्राहम जी के मतलब अंदर आयतन सॉन्ग चल रहा है और उनकी एंट्री हो रही है पर अफसोस इस बार उन्हें नौरा फतेह ही नहीं मिली बल्कि फॉर अ चेंज देखने को मिलेगी क्योंकि हर बार कभी दिलबर दिलबर तो कभी साकी सारी, तो कभी गुस्सो कुछ सब में बस नौरा और जॉन होते हैं सच में नौरा का डेली डांस देख देख कर ना पक गए थे हम पूरा चीज तो मांगता है और आपने देखा होगा ना सत्य में उजय तय कर दे यदा, यदा। రక్షణ కోసం ఆయుధాల్లో మార్చేసేవాడు కావాలి आखिर क्यों फिल्म वेदा को लेकर स्टार कास्ट को देनी पड़ रही है बार बार सफाई अब सफाई क्यों देनी पड़ रही है ये तो बताएंगे ही पर इसकी शुरुआत हुई एंग्री यंग मैन जॉन अब्राहम के कारण दरअसल वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसी के चलते प्रमोशन हो रहे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने बोला की वेदा के ट्रेलर से लगता है की एक रिपीटेड एक्शन फिल्म ही है और उसकी लाइन पूरी ही हो रही थी तब तक उस पर भड़क उठे जॉन जो उस फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है तो उस

शन फिल्म ही होने वाली है तो इस तरह से इन लोगों को स्वच्छता अभियान करना पड़ रहा है मतलब सफाई देनी पड़ रही है कि भाई फिल्म देखने जाओ आपको कुछ नया देखने को मिलेगा फलाना फलाना वैसे जो नया देखने को मिलेगा इसकी बात हो रही है ना एक सोशल मैसेज होने वाला है क्योंकि फिल्म का इमोशनल जैसे सिस्टम पर वार करना जो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है और जस्टिस की लड़ाई लड़ना ये सब प्रवोक करेगा वायलेंस के लिए पर ऐसा नहीं है कि सिस्टम वाला एंगल पहली बार उठाया जाएगा बल्कि नाइनटीन की आक्रोश से लेकर आरक्षण मसान धड़क जो शख्सादे सुपर थोटी कई बॉलीवुड

डी करने के बाद कंप्लीटली थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न लेकर एक्शन करेंगे और जॉन ने प्रमोशन के वक्त ही कह दिया है कि अभिषेक ने जो एक्शन फिल्म में किया है उसके बाद इंटरवल का टाइम आपको चार सौ चालीस वोल्ट का करंट जरूर लगेगा वैसे जॉन हम तो तैयार ही हैं करंट लेने के लिए अभी अभी खतरों के खिलाड़ी का सीजन करके आए हैं खैर पर अब सफाई और तारीफ तो हो गई अब सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडस्ट्री से भी काफी लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं पर उस सब में हमारा ध्यान खींचने में कामयाब हुई है आलिया भट्ट जिन्होंने शर्वरी के लिए खास सोशल मीडिया पर फायर रिमोटिकॉन्स पोस्ट किए हैं चलो मतलब ये अच्छा हुआ क्योंकि आलिया को अब आइडिया लग चुका है कि शर्वरी क्या क्या कर सकती है क्योंकि इसके बाद ये दोनों फिल्म अल्फा में होंगी साथ में खैर पर उससे पहले वेदा आ रही है पंद्रह अगस्त को देखते हैं अपनी पिंकी प्रॉमिस के मुताबिक ये हमें क्या क्या नया देती है वेल आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एंड देन की वॉचिंग बॉलीगराज स्टूडियोस तो एक अगस्त को जॉन अब्राहम और शर्वरी वाक की एक्शन थ्रिलर वेदा का ट्रेलर आने के बाद फैंस में बंटवारा हो गया मतलब आधे इधर और आधे उधर ऐसे पिक्चर है अब ऐसा क्यों है ये ट्रेलर बैकग्राउंड से जानते हैं दरअसल तीन मिनट दस सेकेंड के ट्रेलर में श्रीमद् भागवतम गीता के भगवान श्री कृष्ण का धर्म धर्म को लेकर बोला गया एक बहुत ही बड़ा श्लोक हमें जॉन के मुंह से सुनने को मिलता है और जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है समझ आता है कि जॉन इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर निभाने वाली शर्वरी जो वेदा बनी है जो इस फिल्म की लेडी जॉन उनके महाभारत में श्री कृष्ण पैतीस सेकंड के बाद का फोटे है। अब ये देखते वक्त काफी बढ़िया सीन दिखाई देता है जैसे की एक वेपन से गर्दन पर वार करना हो हड्डी करना हो काफी बढ़िया सीन्स बिना बिना सांस लिए दिखाए गए हैं और उसकी सिनेमाटोग्राफी भी काफी बढ़िया तरीके से की गई है जिन्होंने इसमें पहले छपाक राजी मुंबई डायरी जैसे प्रोडक्शंस में काम किया जी वे टॉकिंग अबाउट मल्ले प्रकाश जिन्होंने इसमें भी अपनी कलाकारी दिखाई फिर जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें ये समझ आता है कि जॉन के कैरेक्टर अभिमन्यु की एक बैक स्टोरी भी है जैसे कि वे एक एक्स आर्मी मैन थे और उसके सीनियर्स की ऑर्डर्स फॉलो ना करने पर उन्हें अपनी पोजीशन से हटाया गया पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये बैकग्राउंड स्टोरी अगर ना दिखाई जाती तो अच्छा होता क्योंकि जॉन की अगर पिछली कुछ फिल्में निकाले तो उसमें बाटला हाउस सत्य में विजेते फोर्स टू जैसी कई फिल्में हैं जिसमें किस में भी पुलिस ऑफिसर होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं मतलब उनका कोई ना कोई कैरेक्टर देश से जुड़ा ही होता है और फिर उनकी सभी फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स का एटीट्यूड भी एक जैसा होता है यह सिस्टम सुधारना चाहता है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर और उसमें उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि सोशल मैसेज भी मिलेगा जैसे उनकी फिल्म सत्य में जेते में करप्शन के अगेंस्ट लड़ते थे फिर फिल्म अटैक में टेररिस्ट के अगेंस्ट तो वेदा में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट

वो जो राजस्थान की छोरी दिखाई गई है ना वो बात बहुत इंटरेस्टिंग है बाद में कंप्लीट 360 डिग्री का टोन लेकर बदला लेने का सोचती है तब उनका लुक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है जैसे ही दंगल में गीता बबीता का हेयर कट है लड़के वाला ठीक वैसा ही दिखाई देता है इसलिए तो उनके कैरेक्टर से काफी एक्सपेक्टेशंस तो हैं क्योंकि ये फिल्म उनके कैरेक्टर पर बेस्ड है और फिल्म में जॉन के होते हुए उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाकी अभिषेक बैनर्जी पोलिटिकल फिगर बने हैं आइटम सॉन्ग के लिए मोनी रॉय है और तमन्ना भाटिया का शायद कैमियो हो सकता है खैर पर ट्रेलर देखने के बाद ओवरऑल ऐसा लगता है कि हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि थीम तो पुरानी है और ट्रेलर में सब दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे आपको क्या लगता है इस पर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड चिल्डन की